Assalamu alaikum to all of you. This is Ehsan Sheikh, manager EDC from Indus University. And I welcome you all on board to speak about this pandemic, claustrophobic situation of the country and the consequences to our students, along with the solutions to deal with it. So this is what we are going to discuss. This is why we are here. And I hope I'm very clear right now to all of you. No, you are not clear right now. Not much, but bit clear, not much. It's a bit of distortion. All right. So we have very dynamic personalities and with versatile experiences in the field of training and development. I would like to welcome Mr. Osama Hamzada, who is manager training and development, currently associated with MNP Express and Logistics. With him, we have Mr. Azan Sabar, head of Department of Operational Excellence at Asad Malif, Business Development Manager. He is a consultant and trainer at Executive Search Worldwide. And Mr. Danish Salami from Apex. So, sir, really fortunate to have all of you here. Osama, I'm starting with you. This entire pandemic atmosphere, with fear, pessimism, and low morale of students. Students got no idea to and how to deal with stuff that is going on across the world. So, how do you see this one, sir? Okay. Assalamu alaikum to all of you. This is Osama Hamzada, as Ehsan Sheikh told you. मैं थोड़ा सा गुफ्तगू का आगाज वहां से करना चाहूंगा कि पेंडेमिक जो होता है, मतलब यानी ये जो सिचुएशन है, इस वक्त जो हालात है, ये जो होता है, ये अपॉर्चुनिटीज अपने साथ लेकर आते हैं। बहुत सारी ऐसी हिडन अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो हम लोग देख नहीं पा रहे होते, लेकिन ये जो इस तरीके के हालात होते हैं कि जिसमें हमें चैलेंज या हमें डिस्ट्रप्शन को फेस करना होता है, तो 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान में कहा था इन नमाल उसरी उसरा के बेशक मुश्किल के बाद आसानी भी है। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि ये टाइम जो है इसके अंदर अपने, जिसे कहते हैं कि माइंडसेट को प्रिपेयर करें कि आगे वाला जो टाइम है वो उनके फुल पोटेंशियल को डिमांड करता है, वो उनकी जो एबिलिटीज है उसमें निखार उसको उनको पैदा करना चाहिए इस टाइम पे, कि आगे के जो चैलेंजेस हैं उनको वो टैकल कर सके। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं वही अमसकल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू, कि मैं अगर किसी किसी को नुकसान पहुंचाना चाहूं तो कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। वही यूरिद का बिखैर फला रद्द लफजली, और अगर मैं किसी को फजल देना चाहूं, मैं किसी के लिए बेहतरी चाहूं, तो कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती मेरे फजल को। ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है फजल अता करता है। तो ये जो सिचुएशन है इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए हमें, अपॉर्चुनिटी एज इन के इसके अंदर हम लोग अपने आप को तैयार करें। जैसे कि होता है कि आप सबसे पहले तो आप सब, यानी कि वी ऑल आर कॉमन ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग द मोस्ट हाईएस्ट पोटेंशियल अमंग ऑल अदर क्रिएचर्स। दूसरी चीज है कि हर किसी में कोई ना कोई आर्ट होता है। अगर मैं आर्ट को थोड़ा सा डिफाइन करता चलूं, सबसे पहले आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इदारे को आप अगर ज्वाइन करते हो, स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है, आप ज्वाइन करते हो तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू गेन इज अ नॉलेज और द इनसाइट्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई कल्चर कैसा है, लोग कैसे हैं, माइंडसेट कैसा है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप चीजों को, जब इनसाइट को गेन करते हो, नॉलेज को जब आप रिपीटेडली एक्शन में लेकर आते हो, तो वो स्किल में डेवलप होती है, हुनर जिसे हम उर्दू में कहते हैं आम अल्फाजों में। और हुनर को जब कंटिन्यूसली प्रैक्टिस किया जाए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 10,000 आवर्स, जैसे कि अगर आप किसी बैट्समैन की मिसाल लो, अगर उसने 10,000 आवर्स अपने प्रैक्टिस के कंप्लीट किए हैं, तो आप उसके शॉट्स की परफेक्शन से अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब सबकॉन्शियसली उसका माइंड इतना ट्रेन हो चुका होता है कि वो उसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप यानी ले सकते हैं बाबर आजम को देख लें, आप विराट कोहली को देख सकते हैं, आशिम आमला के आप जो शॉट्स वो खेलते हैं। तो ये जो है हुनर, इसको जब कंटिन्यूसली रिपीटेडली परसिस्टेंटली प्रैक्टिस किया जाता है, तो ये आर्ट में डेवलप होता है। और हर शख्स में कोई ना कोई आर्ट है, हिडन पोटेंशियल हर एक में कुछ ना कुछ है। तो अपने आप से हम लोगों ने मुलाकात नहीं की, अपने आप से बात नहीं की, हम लोग अपने आप को जानते नहीं, हम दोस्तों को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम गैदरिंग्स जो है हमारी, हम उनके अंदर
से कहते हैं कि हमारा मेल मिलाप बहुत अच्छा है, हमारी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारी जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है उधर हम वीक हैं। जैसे कि अल्लामा इकबाल भी कहते थे ना कि तू राज़े कुन फका है, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुद ही का रास्ता हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा, खुद ही में डूब जा, गाफिल ये सिर्रे जिंदगानी है, निकल कर हल्का शामो सहर से जा विदा हो जा। तीसरी चीज जो मैं कहूंगा, तीसरी चीज वो है पैशन, जनून। अब यानी एक तजर्बा, यानी कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मैं इसको कहूंगा कि डेव उल्रिक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेम इन द फील्ड ऑफ एचआर, ही इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ एचआर, उनसे मुलाकात करने का मौका मिला, 5 मिनट की मुलाकात थी। तो उनसे मैंने सवाल किया, सर हाउ टू डिस्कवर अवर पैशन, मतलब ही इज काउंटेड अमंग्स थिंकर्स 50। उनसे मैंने सवाल ये किया कि सर मैं अपने आप को पहचानूं कैसे, यानी कि जब मैं पैशन की बात कर रहा हूँ तो अपने जनून को कैसे पहचानूं। तो उन्होंने सिंपली ये कहा, बेटा चार बातों का ख्याल रखना, इस पे अपने आप को अलाइन करना इन चार बातों पे, उसके बाद आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप काम कैसे करोगे, आप प्रोग्रेस कैसे करोगे, आप डेवलप कैसे करोगे। उन्होंने बोला पहली चीज वो काम तलाश करो, पहली चीज ये है उस काम को तलाश करो कि आपको रात को नींद में, यानी गहरी नींद में आप सो रहे हो, 2 बजे 3 बजे आपको कोई नींद से बेदार कर दे और वो काम करने को कहे जो आप हमेशा करना चाहते थे, वो कुछ भी हो सकता है, वो सिंगिंग हो सकती है, वो रीडिंग हो सकती है, वो तहज्जुद की नमाज पढ़ना हो सकता है। तो अगर आप उसको देखो कि आप रात को कुछ 2 बजे 3 बजे गहरी नींद से बेदार करें और काम आपको करना तकलीफ ना दे, तो उस काम को सबसे पहले आप डिस्कवर करो या पहचानो वो काम कौन सा है। दूसरी चीज, उस काम को करने से रोज ब रोज आपके अंदर कोई डेवलपमेंट आ रही है, रोज आपको बेहतर फील होता है। तीसरी चीज, उस काम को करने से सोसाइटी, माशरे को कोई फायदा होता है, बेनिफिट मिल रहा है, मल्टीप्लाई होता है उसका इफेक्ट। चौथी चीज, उस काम को करने से दाल रोटी चलती है, मतलब घर का चूल्हा जलता है, मतलब आपको उसमें सेल्फिश नहीं होना कि मैं कल ही मल्टीबिलियनर हो जाऊं, बिलियनर बन जाऊं, मैं सैलरी के इस मकाम पे पहुंच जाऊं या डेजिग्नेशन में ये अचीव कर लूं, या अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो अपने बिजनेस को मैं कल ही, यानी आज आपने स्टार्ट किया कल ही आप पास देखना शुरू कर दो, तो ऐसा नहीं है। बी प्रैक्टिकल, ये दुनिया असबाब की भी दुनिया है और इधर मेटाफिजिक्स भी काम करती है, तो आपको ग्राउंड रियलिटीज पे भी काम करना है, उसके साथ साथ आपने बिलीव भी रखना है, यकीन भी रखना है। तो ये चार चीजें बेटा जिस दिन अलाइन हो गई, ये बोल रहे आंसर मी इन दिस वे, कि द वेरी फर्स्ट थिंग इज डिस्कवर दैट थिंग जो आपको कभी बोल ना होने दे, सेकेंड थिंग कि उससे आपके अंदर रोज बरोज कोई डेवलपमेंट आए, थर्ड थिंग कि आपको यानी उस काम को करने से मल्टीप्लायर इफेक्ट हो, लोगों तक उसका बेनिफिट पहुंचे, और चौथी चीज उससे आपका गुजर बसर हो जाए। अगर ये चारों चीजें अलाइन है तो वो कहता है आपको फिगर करने की जरूरत नहीं है पैसा कहाँ से आएगा, डेजिग्नेशन कैसे मिलेगी, प्रोग्रेस कैसे करोगे, डेवलप कैसे करोगे, ये आपको फिगर करने की जरूरत नहीं है। फिर बाकी सारी चीजें, पूरी कॉस्मोलॉजी, पूरी कायनात आपको उस चीज को हासिल कराने में लग जाती है। जैसे कि अल्लाह कहता है ना, अना इंदा सन्ने अब्दी भी, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक उसको अता करता हूँ। फिर अल्लाह कुरान में कहता है, वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, ए इंसान जितनी कोशिश करेगा उतना ही तुझे अता करूंगा, वअन्ना सायहू सौफ यरा, तेरी कोशिशों को परखूंगा कि तेरा खलूस कितना है, तेरी एफर्ट कितनी थी, तेरी इंटेंशन क्या थी, तेरी नियत कैसी थी, कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है, मैं परखूंगा, अन्ना सायहू सौफ यरा। फिर अल्लाह कहता है, सुम्मा युजज़ाहुल जज़ा अल औफा, द रिवॉर्ड विल बी गिवन जस्ट अकॉर्डिंगली, जितनी मेहनत की होगी, जितना इनपुट दिया होगा, उतना ही तुझे आउटपुट मिलेगा। तो दैट्स फ्रॉम माय साइड, सो आई वुड लाइक यू टू एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री विद यू समर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है और जितने एक ग्लोबल क्राइसिस से ये हम गुजर रहे हैं, उसमें अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी ट्रू कि उनके पास बहुत अच्छा ये चांस है, ये मौका है, ये वक्त है इन विच दे कैन डिस्कवर देम सेल्फ। जैसे आपने अपनी बात में, अपनी पूरी गुफ्तगू में यही कहा कि यू नीड टू डिस्कवर योर सेल्फ, और जैसे आपने उस वाक्य को उसके अंदर कोट किया कि यू हैव टू सी वट इज़ द डायरेक्शन, वट इज़ द वे ऑन विच यू हैव टू गो, एंड वट हाउ कैन आई डिस्कवर। हम बहुत बार ये कहते हैं कि वी डोंट हैव टाइम टू डिस्कवर आवर सेल्फ। Students normally say that, and I have been EDC manager, I've seen a lot of students coming up towards me and say this, that sir, we don't know where to go, what to do. This is the most challenging question that normally they have in their minds. So I think this is the right time, kyunki waqt ko bilkul aapne utilize karna padta hai halaat ke hisab se, aur discover karna bahut zaruri hai. Isi baat ko main aage leke chalta hu, aur I would like to go towards Azan sahab. Azan sahab,
जैसे उसामा साहब ने बात की कि डिस्कवर आप करें और ये सारी गुफ्तगू उन्होंने की है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि द डायलेमा इज कॉजिंग इमेंस ट्रबल फॉर स्टूडेंट्स एट राज राइट नाउ. वी हैव गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स, वी हैव यूनिवर्सिटी अनाउंसमेंट्स, वी हैव चेंज ऑफ स्केड्यूल्स, यू नो, ऑल टुगेदर इट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस इन द एनवायरनमेंट. मैं अगर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ तो दे हैव दिस काइंड ऑफ हेसिटेशन कि जी इतनी चीजें एक साथ हमारे सर पे आ रही हैं, कभी गवर्नमेंट की कोई अनाउंसमेंट आ जाती है, समटाइम्स यूनिवर्सिटी अनाउंसेस समथिंग, समटाइम्स देयर इज अ चेंज ऑफ स्केड्यूल, ऑल टुगेदर सब ऐसा चल रहा है. तो व्हाट वुड यू लाइक टू से रिगार्डिंग दिस बिल्ट इन डिप्रेशन? अजान साहब मैं आपकी तरफ इस सवाल को लेके जा रहा हूँ कि जो डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, हाउ टू डील विद इट, आपकी क्या राय है इस बारे में? Yep, I'm actually very happy that you asked me this question because mera perspective more or less students ke hi aspect se main dena cha raha tha. First of all, I think Usama sir gave a very wonderful introduction aur more or less mere bhi similar thoughts are regarding people looking for opportunities and people finding their passion. Again, students ke perspective se isliye keh raha hu, I think hamare panels ke group mein I am the youngest one, no offense, but I stay involved with a lot of students regarding internships and regarding projects. Aur सबसे पहला पर्सपेक्टिव तो मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है कि दे नीड टू काम डाउन अ लिटिल बिट. आई एम एनडी अलुमनाई, तो एनडी यूनिवर्सिटी या जो हमारे पाकिस्तान की जो कुछ नेमली बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, आईबीएस एंड लम्स, वो स्टूडेंट्स ना अपने अंदर एक इनबिल्ट कैलकुलेटर लेके चल रहे होते हैं कि जी इस एज तक हम लोगों ने पास आउट हो जाना है और इस एज तक हम लोगों ने ट्रेनी बन जाना है और इस एज तक हम लोगों ने मैनेजर बन जाना है और इस एज तक हमारी सैलरी 6 digits की हो जानी चाहिए और वो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा कैरी कर रहे होते हैं. आई माई सेल्फ स्टार्टेड वेरी लेट. मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी खत्म करके बैठा था कुछ पर्सनल इशूज की वजह से आई गॉट माई फर्स्ट जॉब आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स, बट आई टर्न्ड आउट जस्ट फाइन. तो मैं अभी भी जितने भी स्टूडेंट्स से स्पीक करता हूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ जूनियर्स रीचिंग आउट टू मी जो मुझसे पूछते रहते हैं सर हम क्या करें दिस एंड दैट, एंड हमारा तो ये फर्स्ट ईयर ही अपॉर्चुनिटीज आया हो गया, हमारे ये हायरिंग का विंडो निकल जाएगा. दैट्स व्हाट आई टेल देम के इस एस्पेक्ट से आई टेल देम टू काम डाउन अ लिटिल बिट. ये टाइम वाला एस्पेक्ट हम लोग का एक सोसाइटल प्रेशर है या कोई और रीजन है जिस वजह से भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, आई हैव नेवर एग्रीड टू दैट. चाहे वो जल्दी सक्सीड करना हो और चाहे वो लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोफेशंस में सक्सीड करना हो, जैसे सामा सर ने बताया, समथिंग दैट कीप्स यू अप एट नाइट, इट कैन बी स्पोर्ट्स, इट कैन बी रिलीजन, इट कैन बी आर्टिस्ट्री, इट कैन बी एनीथिंग एट ऑल. हमारे यहाँ पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फैमिलीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि नॉट टू पुश स्टूडेंट्स इनटू डूइंग समथिंग जो कि हम लोग सोशली एक्सेप्टेबल प्रोफेशन समझते हैं. एंड सेकेंडली, जहाँ तक टाइम की बात है, इट्स ऑल राइट अगर आपकी प्रोफेशनल रिज्यूमे के ऊपर थोड़ा सा गैप आ गया, इट्स ऑल राइट अगर आप कपल ऑफ मंथ्स के लेटर अपना जॉब स्टार्ट करते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद दैट. अगर मैं अपने बॉसेस की एग्जाम्पल दूँ, आई बीन वेरी लकी, सो आई बीन एबल टू वर्क विद सम वेरी गुड पीपल और वो लोग भी मुझे यही कहते हैं. हम लोग भी शुरू में जब जॉब मार्केट में आए थे तो शुरू में विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स कंपेयर करते थे, यार उसकी सैलरी तो देखो इस तरह हो गई है, यार फला जगह में तो इतने बोनस मिलते हैं, यार इसको तो ये बेनिफिट भी मिल रहे हैं. और हम लोग कुछ स्टूडेंट्स ना डिप्रेशन में चले जाते थे, हम पीछे रह गए हैं आगे आ गए. मैं एक एग्जाम्पल अपने स्टूडेंट्स को भी देता हूँ. मेरा एक क्लासमेट था बिलाल उसका नाम था, एंड वो हमारी क्लास का, हम उसको रैंचो कहते थे, द कैरेक्टर फ्रॉम थ्री इडियट्स, प्रॉपर मशीन एक्सपर्ट. वो ही वुड स्पोर्ट्स करिकुलम से 10 गुना ज्यादा पढ़ाई करता था एंड ही वाज अ पोजीशन होल्डर, गोल्ड मेडलिस्ट, एवरीथिंग. उसकी पहली जॉब सबसे कम सैलरी पे स्टार्ट हुई एंड एवरीबडी वाज लाइक, यार इसको क्या हो गया, यार इसने कम सैलरी पे ये कर लिया वो कर लिया. हमारे जो बैक बेंचर्स थे उनके चाचा मामू पार्क सुजुकी में काम करते थे, उनको अच्छी अच्छी सैलरी में जॉब मिल गई, तो थोड़ा सा ना, लेकिन उस लड़के ने पैनिक नहीं करा एंड ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट गाइस टू ग्रो इनटू अ मैनेजरियल पोजीशन इन आवर क्लास. आज हमारी बैच में सबसे ज्यादा वो पैसे अर्न कर रहा है. तो टाइम इज नॉट योर एनिमी, इट इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन अपने ऊपर जल्दी जल्दी ग्रो करने का प्रेशर जो है, जो अभी आई नो स्टूडेंट्स फील कर रहे हैं, वो ना डालें. And as far as this time is concerned, I understand जो आप बात कह रहे हो कि classes disturb हो रही हैं, routine disturb हो रही हैं, learning has got nothing to do with that, to be honest. चाहे वो job हो, चाहे वो आपकी university हो. Again, if I give an example of myself, मेरी पहली job was in a textile company और हम लोग नए नए industrial engineer थे. Textiles में कुछ सालों पहले ये revolution आया कि जो बड़े बड़े export buyers हैं, IKEA है, Walmart है, Target है, इन सब लोगों ने बोला हम लोग को, जी आप लोग कॉस्ट सेविंग पे काम करें, आप लोग लीन इंप्लीमेंट करें, आप लोग काइजन इंप्लीमेंट करें, फैंसी फैंसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करें, जिसका हमारे कल्चर में अभी उससे तो बहुत दूर है. हम लोग तो बेसिक मैनेजमेंट सिस्टम्स ही इंप्लीमेंट नहीं कर पाते एंड हम लोग को उस जॉब में डाला गया टू इंप्लीमेंट दोज थिंग्स. हम लोग लॉस्ट घूमते थे, ज़्यादा काम नहीं मिलता था.
बट दैट डिड नॉट मीन कि मेरी लर्निंग नहीं हुई, इट वॉज माई ओन. मैं अपनी जीडी तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करता था अपनी लर्निंग को. आई वुड टॉक टू पीपल, आई वुड गो आउट इन द प्रोडक्शन फ्लोर, मैं खुद जाकर मशीन को लर्न करता था, मैं खुद जाकर सीनियर से बात करता था. तो योर लर्निंग इज गॉट एटलीस्ट फॉर मी पर्सनली नथिंग टू डू विद योर एनवायरमेंट. वो आप you can do that yourself, you can do that in your home. I mean, internet is such a fascinating tool if used correctly, of course, or this sky's the limit agar aap usko theek se use karte hain. So na learning mein there should be a limitation. If you are not learning, that is your own fault, that is nobody else's fault. Ye aap hi ke haath mein, you can run the show yourself. Aur jahan tak opportunities ki baat hai, jaise Osama sir ne kaha, usko main bhi further later on us pe baat karunga from an engineering perspective. Agar sari factory ruk gayi hain to main agar baat karu to Pakistani government हमारी एक्सपोर्टर्स को अब अलाउ कर रहा है फैक्ट्रीज को ओपन होने के लिए. एंड ऑल फैक्ट्रीज आर राइट नाउ वर्किंग ऑन डेवलपिंग द राइट कोरोना और कोविड-19 एसओपी. हम सब लोग सैनिटाइजेशन गेट्स लगा रहे हैं, हम सब लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बना रहे हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंजीनियर्स टू वर्क इन द हेल्थ एंड सेफ्टी सेक्टर नाउ. उसमें द स्काई इज द लिमिट. उसके लिए प्रोडक्शन यूनिट्स खुलने वाले पीपीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके लिए आपके रूटीन ऑडिट के पर्सपेक्टिव से और ज्यादा स्ट्रेट होने वाले. तो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी उसके ऊपर भी, इंशाल्लाह आई एम श्योर इंजीनियर्स विल कम आउट ड्राइविंग. Azam, बिल्कुल द पॉइंट दैट यू डिस्कस्ड कि लर्निंग हैज़ नथिंग टू डू विद क्लास और एनी इंस्टीट्यूट. लर्निंग कैन बी डन एनी वेयर वेयर एवर यू आर. उसके लिए आपकी इंटेंशन का होना ज़रूरी है. एंड इफ़ यू आर लॉयल विद योर ओन सेल्फ, यू ऑलवेज पे अटेंशन कि आप जो हैं सीखें कुछ, आपको सीख मिले. लर्निंग रियली हैज़ अ लॉट ऑफ, जिसे कहते हैं कि लर्निंग के बगैर तो आपकी ज़िंदगी जो अधूरी है. और आपने जो दूसरी बात कही कि टाइम के हिसाब से कि अगर कोई जल्दी ग्रेजुएट कर गया या जल्दी किसी को जॉब मिल गई, लाइक व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर. सो इवन इफ आई एम गिविंग माय एग्जांपल, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर आई वाज आल्सो हैविंग दिस सेम थिंग इन माय माइंड, लाइक यू डिस्कस्ड अ बिट अगो कि जी उसकी जॉब पहले लग गई है, या जी फलां साहब जो है वो पहले शुरू, उनका पहले जो है उसकी अच्छी पैकेज हो गया और वो अच्छा कंपनी, उसको अच्छी कंपनी मिल गई, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई. स्टूडेंट्स के माइंड में भी ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं जब आप न्यूली अपना करियर स्टार्ट करते हैं. लेकिन वही वाली बात कि हर शख्स जो है वो अपने टाइम स्पेंड के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा है. वी आर लिविंग आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू आवर टाइम. वी कैन नॉट कंपेयर आवर सेल्फ फर्स्ट थिंग टू द अदर पर्सन, क्योंकि वो अपने ज़िंदगी के हिसाब से जब उसके लिए कामयाबी लिखी है, जब उसके लिए वक्त लिखा है, देन ही विल मूव फॉरवर्ड. अदरवाइज हम सब जो हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने अपने वक्तों के हिसाब से जो है ना वो अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चल रहे हैं. वेरी ट्रू. दानिश साहब, आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन कि गोइंग टू यूनिवर्सिटी लाइक अजान डिस्कस कि इज नॉट ओनली अबाउट लर्निंग मैनेजमेंट, इट इज़ अबाउट सोशल रिलेशनशिप एंड इट इज़ अबाउट पीयर टू पीयर इंटरेक्शन. So university teaches you a lot, any institute teaches you a lot, or especially how to be a good citizen. Is waqt jo halaat chal rahe hain, jin cheezon se hum guzar rahe hain, mera sawal Danish sahab aap se ye hai ki don't you think students really need to come forward and see ke wo kaise contribute kar sakte hain society mein as a citizen, kyunki is waqt bahut zarurat hai. Thank you so much, aapne invite kiya. यार सबसे पहले जो मुझे, मैंने बताया भी था ऐसा उनको कि मुझे कुछ शिकायत है यूनिवर्सिटी से, सारी यूनिवर्सिटी से शिकायत है. और वो ये है कि वो लोग ज़्यादातर कोर्सेज में स्लाइड्स पढ़ा रहे होते हैं, बुक्स को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे होते. बट लाइफ इज़ बियॉन्ड द बुक्स, हमें स्लाइड्स से बढ़कर भी कुछ आगे मिलना चाहिए. और जो अब जिस तरीके से अब जो काम हो रहा है, और अभी इस पेंडेमिक के बाद तो कुछ ज़्यादा ही सिचुएशन आउट हो गई है, तो उसमें हमें अब जो है ना ये सिचुएशन नहीं होगी कि हम ट्रेडिशनल वे में सारा काम कर रहे हो, हमें कुछ ना कुछ नया करना ही पड़ेगा. जो चीज़ मैंने की है कि आपके सवाल से पहले मैं अपनी कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्टूडेंट्स तक भी जाएगा ये वीडियो, कि अगर ये जो गैप है जो अभी आया हुआ है, तो सीवी में अगर ये गैप होगा तो वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है. तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है. और रिस्क देने वाली बात सिर्फ अल्लाह ताला की होती है, इंसान सिर्फ कोशिश करता है. अभी दोनों स्पीकर्स ने ये बात की थी, सिर्फ पेशेंस रखें कि यार आप ऐसा ना हो जाए कि मतलब साइकोलॉजिकल आपको कोई प्रॉब्लम होने लगे. लाइक मेरे साथ हुआ था जब मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था काफ़ी सालों पहले,
तो उस वक्त इतनी ज़्यादा सिचुएशन उस वक्त इतनी आउट थी कि बंदा जॉब अप्लाई करता रहे इंटरव्यू की कॉल नहीं आती, फिर उसके बाद बंदा परेशान होता है कि दूसरों की जॉब लग गई, फिर शादियाँ भी हो जाती हैं बॉसों की, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो सब सिनेरियोज भी चल रहे होते हैं, तो आपकी टेंशन रहती है, तो पेशेंस रखें। और अब जो दौर आ चुका है उसमें आपको सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा ना वो ये कि अपने आप को, मतलब आप खुद अपने तौर पे एक बिज़नेस बन जाए, मतलब अपना ही कोई जॉब खुद क्रिएट करें, किसी के भी सहारे पे ना रहें, चाहे वो कंपनी हो, माजरत के साथ, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप फ्रीलांसिंग चीज़ें स्टार्ट करें अपने साथ, कुछ ना कुछ करें। जैसे अभी जो मैं आजकल लिंक्डइन पे भी देख रहा हूँ, दूसरी जगहों पे भी देख रहा हूँ, तो आईटी से रिलेटेड फील्ड्स या जॉब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कनेक्टिविटी के इशूज़ हैं, जो भी इशूज़ हैं, मतलब जो भी कुछ भी कह लें आईटी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रही हैं कोई जो जॉब्स आ रही हैं। तो अभी इस सिचुएशन में जो स्टूडेंट्स जो घर पे हैं उनको चाहिए कि अब ज़्यादा पबजी पर टाइम ना लगाएं, वो ज़्यादातर इन चीज़ों पे, इन कोर्सेज पर टाइम लगाएं। मैंने कुछ कोर्सेज भी सर्च किए हैं, जैसे अब एक वेबसाइट है गूगल डिजिटल गैरेज के नाम से, वो फ्री कोर्सेज करवाती है, तो स्टूडेंट्स को चाहिए वहाँ पर जाएँ। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये कोर्स ऐसा है कि आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हो, आप ये वेबसाइट्स हैं डिजी स्किल्स में, उनका वेबसाइट है, वो फ्री कोर्सेज करवाते हैं, तो वहाँ पर जाएं, अपना आपको रजिस्टर करें और कुछ सीखें वहाँ से जाके। SEO का क्या काम होता है आजकल, ये बहुत ज़्यादा चलेगा, आगे भी चलेगा। गूगल एडवर्ड्स क्या कर रहा है, गूगल एनालिटिक्स क्या कर रहा है, यूट्यूब मार्केटिंग क्या कर रही है। फैक्ट हमें अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल एटलीस्ट हम एक्टिवेट कर देना सही तरीके से, वही बड़ी बात है। किसी को ये बात नहीं, मतलब जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात नहीं पता होगी कि आपके पास लिंक्डइन पे एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें आप रिक्रूटर को ये बताते हो कि आई एम अवेलेबल फॉर अ जॉब। तो वो एक लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे आप अपडेट कर सकते हैं, वो चीज़ अपने आप को इस पर एक्टिव रहे, लिंक्डइन पे देखें। ये सारे कोर्सेज करने के बाद फेसबुक पे इतनी सारी जो फ्रीलांसिंग की एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, आप उस तरफ जाएं, मतलब क्रिएट योर ओन बिजनेस यार। आप किसी चीज़ पे रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अभी इस सिचुएशन में देखा है कि आई एम नॉट ब्रांडिंग माय कंपनी, लेकिन हमारी कंपनी में डाउन साइजिंग नहीं हुई, लेकिन मैंने बहुत सारी कंपनीज में देखा डाउन साइजिंग ऐसी हुई है। मेरे पास कॉल आती है बींग इन एचआर डिपार्टमेंट, मुझे कॉल आती है यार दानिश भाई ये मसला हो गया, 2000 बंदे चले गए, 1200 बंदे चले गए, मतलब बल्क में निकाल रहे हैं। अगर इनमें से कुछ लोग जो स्किल्स ले सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं, वो अगर पढ़ लें तो यार कुछ थोड़ी सी अर्निंग की स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से मैंने काफ़ी चीज़ें इस वर्क फ्रॉम होम में सीखी हैं। जब मैं घर पे था तो मैं, अब टाइम मिल जाता है क्योंकि हमारी आधी ज़िंदगी तो शारे फैसल पे गुजर जाती है, तो अब वो टाइम तो बचता है हमारा। तो उस टाइम में हमने ये काम किया कि जो मैंने कुछ YouTube पे वीडियोस देखी, मैंने लीड जनरेशन का काम देखा। आई एम श्योर ये सारे जो स्पीकर्स हैं इनको पता होगा कि लीड जनरेशन किस तरीके से की जाती है, आपको पेड एडवर्टीजमेंट कैसे लगाई जाती है फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, किस तरीके से काम होता है। तो बैठे बैठे कुछ चीज़ें सीखते रहो, तो वो चीज़ जब मैंने इम्प्लीमेंट की तो मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो गया। मैंने कहा यार तो सही बात है, तो बैठे बैठे पेपर ही दे देंगे यार इसका। तो इस तरीके से, और एक्सेल पे आपको ट्यूटोरियल्स देखें, एक्सेल पे ज़रूर काम करें, बहुत काम आया हुआ है। आपको डिजिटल का कोई काम चाहिए हो, इनफैक्ट कोई अगर HR की फील्ड में है तो वो जाए HR के कोर्सेज करे, अपने आप को इस काबिल बनाए। क्योंकि शायद सबको पता होगा जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे होंगे कि YouTube पे जो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने चैनल्स बना रहे हैं और बोल रहे हैं सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को बटन को प्रेस करो, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है। तो आप भी अपना कॉन्टेंट अच्छा करें, आप भी ये चीज़ें स्टार्ट करें, आप अपनी अर्निंग खुद करें, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके अलावा अब और कोई चांस नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने आप पे इन्वेस्ट करें, आप टाइम हो या फिर स्किल्स हो, ये लेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अब की दुनिया में वो ट्रेडिशनल वो काम चला गया। इनफैक्ट मैंने कहीं पर आर्टिकल में पढ़ा था कि 2021 तक फेसबुक और गूगल जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ को वर्क फ्रॉम होम ही दे रहे हैं। करेक्ट मी तो ये सिचुएशन जब अब वो इस तरह जाएगा कि किसी के पास भी स्किल है वो कोई भी कंपनी उसको हायर कर सकती है, और वो चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हो चाहे वो मलेशिया में बैठा हो, कंपनी अमेरिका में होगी, उसको स्किल्स आती होंगी, वो बंदा उसके काम करेगा और पैसे लेगा उस चीज़ के, और वो हलाल भी होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो बंदा काम करेगा सही तरीके से बैठ के।
ऑफिस में बैठ के तो कुछ और भी हम बैठ के गपशप भी कर लेते, लेकिन यहाँ पर जो काम होगा ना वो आप स्किल बेस्ड होगा। भाई आपको एक काम आता है जी, आप अपनी एक प्रोफाइल दिखाएं, इफ़ यू आर एलिजिबल यू विल गेट अ जॉब। अभी ये सिचुएशन हो गया, वो सारा काम खत्म हो गया, हम बैठे हुए 9 to 5 जॉब करूँगा आऊँगा उसके बाद, तो ठीक है अभी रिश्ता तो ढूंढ लेगी लेकिन 9 to 5 वाला हिसाब किताब अब वाला खत्म हो जाएगा। अब ये है कि भाई आपको काम करना है, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई सवाल कोई चीज़ रह गई हो तो ऐसा ना पूछ सकते। बिल्कुल दानिश, आपने जो बात की कि आईटी और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ स्टूडेंट्स को जाना चाहिए, डेफिनेटली दिस इज द एरा ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल वर्ल्ड जो है इसको यकीनन जो है वो... एक और चीज़ मैं ऐड करूँ, बहुत सारे लोग अब ये भी काम कर रहे हैं कि रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट बने हुए, ठीक है आपको कोई प्रोफाइल चाहिए ठीक है आई विल सर्च फॉर प्रोफाइल फॉर यू और मैं आपसे इतने पैसे चार्ज करूँगा। तो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट कितने लिंक्डइन पे मुझे अप्रोच करते हैं कि जॉब्स आए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, या आपके पास कोई हो तो आप रेफ़र कर दें। तो सिचुएशन अब इस तरह से हो गई कि आपको जो ना खुद ही अब स्किलफुल होना पड़ेगा, इस चीज़ की तरफ आना पड़ेगा, तब जाके आप करेंगे। आप ये स्पीकर्स ने ये बात बताई थी कि आप ऑनलाइन आप ट्यूटोरियल्स स्टार्ट करें, अपने ट्रेनिंग सेशंस आप दें, उस पर आप अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जाएं तो सही, यूट्यूब देखें तो सही, आप फेसबुक को सिर्फ हमने मीम्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आप उस पर जाएँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, सिंपल इज दैट। साथ साथ मेरा मैं एक बात ये डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे कि अभी उसामा साहब ने ये पॉइंट डिस्कस किया कि एवरी ह्यूज प्रॉब्लम हैज़ ए ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है उसमें। वी हैव कम टू नो आर वीकनेसेस, वी नो के व्हाट आर दी वेयर आर वी लैकिंग। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि किधर किस तरफ हमें जो है वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और हम एजुकेशन को लेके मजीद क्या बेहतरी इसमें लेके आ सकते हैं? बिकॉज देर आर मैनी वीकनेसेस डेट वी हैव नोटिस्ड आइडेंटिफाइड फ्रॉम हॉस्पिटल्स टू एजुकेशन सेक्टर एंड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू आवर पाकिस्तान, बिकॉज हम अभी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो असा साहब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। माशाल्लाह सारे एक्सपीरियंस आपके माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है, आप सबने सबने अपनी बातें शेयर की। अच्छा मैं पहले अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। अच्छा आपने जैसे पूछा कि हम किस तरह इम्प्रूवमेंट करें एजुकेशन साइड को और इफ़ वी एंटर टू द यू नो कॉर्पोरेट और जॉब वर्ल्ड, तो उसमें हम अपने किस तरह एक्सेल करें और किस तरह अपने आप को इम्प्रूव करें। तो पहली बात तो यह है कि यार अभी जो है ना इशू ये आ रहा है कि जो क्योंकि मैं खुद हमारी खुद ESW एग्जीक्यूटिव सर्च वर्ल्ड वाइड एक HR कंसल्टेंसी कंपनी है, हम लोग रिक्रूटमेंट हेड हंटिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हम लोग इवन के मिडल ईस्ट के लिए भी वीज़ा प्रोसेसिंग और रिक्रूटमेंट करते हैं, और हमारा हेल्थ सेक्टर और ऑयल एंड गैस में ज़्यादा एम्फेसिस है। तो उसमें ये इशू आ रहा है, मेरे काफ़ी सारे HR जो प्रोफेशनल्स से डिस्कशन होती है तो वो चीज़ जो फेस कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस वाले भी हैं, वही बताते हैं कि भाई अभी जो इशू आ रहा है कि स्टूडेंट्स के अंदर दे हैव द नॉलेज माशाल्लाह सबके पास है आजकल, क्योंकि यू कैन गूगल इट, यू कैन गेट द यू नो एनीथिंग यू वांट टू लर्न, ठीक है। लेकिन द थिंग इज होता क्या है कि आपके पास नॉलेज तो है लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो वहाँ जो आज के नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं या नए ग्रेजुएट्स आ रहे हैं वो नहीं कर पाते, उनके यहाँ नॉलेज इवन के हमसे भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अभी इशू ये आ रहा है, वो ये चाह रहे हैं कि बच्चों में इस तरह की चीज़ें उनके अंदर डाली जाएँ कि उनके अंदर एक तो मोटिवेशन पहली चीज़ और दूसरा उनके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग हो उनके अंदर, क्योंकि ये चीज़ लैक कर रही है। वो आपको आइडियाज दे देंगे कि ये स्ट्रेटेजी कर लें, ये कर लें, वो कर लें, टाइम लाइन की बात करते हैं, इन शॉर्ट होता है कि फाइनल पे उनसे आपको कोई डेडलाइन देते हैं तो उस डेडलाइन में नहीं कर पाते। काफ़ी सारे इशूज़ हैं जो मुझे अच्छा प्रोफेशनल बताते हैं, तो वो ये कहते हैं यार कैंडिडेट तो अच्छा होता है, हम इंटरव्यूज लेते हैं सब कुछ करते हैं, जब ऑनबोर्ड आते हैं तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा था जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए। तो एक तो ये है कि हमें एकेडमिक को अपना उस तरह करना पड़ेगा या स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की, जैसे अभी दानिश साहब ने जो बात की उन्होंने यही बोला कि जो है कि हमारे पास जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है उस पर एजुकेशन का एकेडमिक का थोड़ा सा इशू है। उन्होंने डिटेल मेरे ख्याल में मैं भी उनका एड ऑन करूँगा, यही इशू है कि एकेडमिक के अंदर आपको थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बुकेश ज़्यादा नहीं करवाएं चीज़ें, उनको प्रैक्टिकल अप्रोच किस तरह करते हैं टास्क दीजिए, क्योंकि स्ट्रेटेजिकल थोड़े उसके सिनेरियोज बना के चीज़ें दीजिए तो वो करेंगे इस तरह। अच्छा दूसरी बात दानिश साहब को मैं उसको करूँगा सेकेंड करूँगा
कि अभी अभी जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको अपने स्किल सेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अभी उनको अब अपने आईटी की तरफ आना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट बहुत अच्छे प्रोग्राम्स भी लेकर आ रही है, अभी उन्होंने स्टार्ट किया है पीआई के नाम से, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग। अब आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से बात करूँ, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो वो अपनी स्किल सेट को इस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो जाएँ अपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनके चार मॉडल्स में काम कर रहे हैं ये लोग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, कंप्यूटिंग के अंदर, और एक मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं वो उसमें कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ जाएं, उस पर काम करें, उसके स्किल सेट को लें। अभी गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री करवा रही है, अभी अभी भी जा सकते हैं आप, उसको इनरोल करें, अगर इनरोल करवाने का तरीका बताने वो मैं गाइड कर दूंगा, आप मुझे बता मुझसे डिस्कस कर लेंगे इस सेशन के बाद, मैं आपको लिंक भेज दूंगा किस तरह उसकी वीडियोज़ भी हैं, किस तरह ज्वाइन करना है उसको। तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर वो फ्री सेशन दे रहे हैं, उसके बाद अब जो कोविड का सिनेरियो ख़त्म होता है तो फिर वो यानी कि अपने क्या कहते हैं डोमेन के अंदर अपने प्रीमिसेस में उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे। तो मैं वो जो जितने भी इंजीनियर्स हैं आपके उनको मैं करूँगा इंटरनल थिंक की तरफ जाएँ, और जितने भी आपके पास और भी हैं जैसे आपकी डिज़ाइनिंग की तरफ, डिज़ाइनिंग तो माशाल्लाह बहुत एक्सेल करेगी, जो डिज़ाइनिंग की आपका डिपार्टमेंट है, फैशन डिज़ाइनिंग है और दूसरे हैं, इस तरह आपके आईटी के अंदर है और आपकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उनको चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाएं, कंप्यूटिंग की तरफ जाएं, स्किल सेट एक कंपनी आपकी जो गवर्नमेंट है वो फ्री करवा रही है तो उसको क्यों ना कैश किया जाए, तो गवर्नमेंट भी अच्छे इनिशिएटिव ले रही है तो उसमें अपने आपको स्किल सेट को थोड़ा किया जाए। और दूसरा अभी जो और मैं बात करूँ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स की, इशू ये आ रहा है कि बच्चों को बेसिक हमें नहीं पता कि उनको बेसिक उनको हम इस तरह मोल्ड किया जाए उनके क्या कहते हैं उनके थिंक टैंक को कि वो समझ सकें उनको आगे करना क्या। अभी मैं काफ़ी स्टूडेंट्स के मैं मिलता हूँ उनको डिफरेंस नहीं बता होता ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स में, बेसिक बच्चों को बताना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव एंड गोल में डिफरेंस क्या है। वो उनसे ऑब्जेक्टिव पूछो तो वो कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो होता है वो गोल को डिफाइन करता है। गोल आपको पता है, गोल एक स्पेसिफिक, इसको आप इस तरह कर लें एक फुटबॉल ग्राउंड है, उस फुटबॉल ग्राउंड के अंदर हमें गोल करना है तो कीपर पहले पास किसको करेगा, डिफेंडर को, जो डिफेंडर को पास किया है इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, वो डिफेंडर हाफ में देगा इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव। तो गोल किसी का शॉर्ट भी होता है, गोल बड़ा भी हो सकता है। अब किसी का गोल बड़ा है तो उसको गोल करने में मुश्किल होगी, हो सकता है 10-12 पास करने हों, किसी का गोल छोटा है अचीव 10 साल में कर लेगा, मैं हो सकता है कि मेरा गोल बड़ा है मैं 30 साल में करूँगा, तो हर एक डिपेंड करता है गोल की गोल सेटिंग में। तो अभी ये इशू आता है कि मैं सीवीज भी देखता हूँ कि एक बंदा है वो अभी एंट्री लेवल में अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँ जो अपनी मैं एजुकेशन को इनहांस कर सकूँ, वहाँ पे उस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकूँ जो मैंने लर्न किया है फ्रॉम एकेडमिक से। तो होता क्या है कि 5 साल भी वही ऑब्जेक्टिव रहते हैं। मेरा कहने का मकसद है कि फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव एंट्री लेवल में ऑब्जेक्टिव है आपका, 5 साल बाद आपका ऑब्जेक्टिव चेंज होएगा, वही वाली बात, गोलकीपर ने डिफेंस बॉल दे दी है, अब डिफेंस का ऑब्जेक्टिव वो पहुंच गया, 5 साल बाद डिफेंस लेवल पे पहुंच गए, तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। तो आपको जो एचआर जो मान लो काफ़ी माशाल्लाह लोग एचआर वाले होंगे, मैं मेरा खुद बैकग्राउंड एचआर का नहीं है, मैं खुद अप्लाइड केमिस्ट्री मास्टर्स हूँ एंड देन आई एम मास्टर्स इन सिटी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट फ्रॉम यूके, तो मेरा बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड है, लेकिन मैं एचआर की तरफ आया हूँ, ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, मैं जितना भी सीखा है मैंने एचआर के लोगों से सीखा है, आई एम अलूफ, टोटली अलूफ, सीरियसली बता रहा हूँ। तो मैंने भी लोगों से मिलके सोशलाइजिंग की है, काफ़ी लोग सीनियर से सीखे काफ़ी, तो उसमें यही है कि बच्चों को उनको पहले ऑब्जेक्टिव का पता हो, गोल का पता हो कि ऑब्जेक्टिव एंड गोल में डिफरेंस क्या है, और अपने मैं अब इसको इन शॉर्ट करता हूँ, बहुत बड़ी लंबा कर दिया मैंने, इसको इन शॉर्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव एंड गोल में बच्चों को पता, अपने ऑब्जेक्टिव और गोल को सेट करें, ऑब्जेक्टिव जो इनिशियल लेवल में सेट होगा उसको सेट करें, गोल को हम लॉन्ग रन में आहिस्ता आहिस्ता अब स्टार्ट करें, इंशाल्लाह 15 साल बाद 20 साल बाद अपने गोल पर पहुँच चुके होंगे। अच्छा, हर स्टूडेंट को आईटी का जिस्ट लेना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा खुद एक दोस्त डॉक्टर है, उसने पाइथन और आर लैंग्वेज सीखी, उसको जॉब नहीं मिल रही थी ऑस्ट्रेलिया, और चिले में होता है मेरा दोस्त, तो उसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर जॉब नहीं मिल रही थी, तो एक डॉक्टर होते हुए डाउ का MBBS था, वहाँ पहुँचा उसने मास्टर्स के पब्लिक हेल्थ में, उसको जॉब नहीं मिली, उसको आर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी पड़ी और पाइथन लैंग्वेज को करते हुए, तो फिर उसको जाके जॉब मिली, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट आ रही थी आपको पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए, आर आनी चाहिए। तो अभी मकसद ये है कि अभी हम लोग इस लेवल पर नहीं पहुँचे क्योंकि वो बहुत एडवांस हो चुके हैं, तो उनको आईटी को एक थोड़ा सा हर एक चीज़ में जस्ट आना चाहिए। तो मेरा कहने का मकसद है कि स्टूडेंट्स को अभी मौका भी है, इतने ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, यूडेमी है आपके पास, कोर्स आ रहा है,
ठीक है, उसमें सीखें आप, और आपके माशाल्लाह अभी गवर्नमेंट तो आपको करवा रही है पीआईसी में जाएं। मुझे आप ऐसे फारे होने के बाद बताइएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा, अपने स्टूडेंट्स को आप वो गाइड करें, उसमें अपने स्किल सेट को स्ट्रॉन्गर भी, टाइम माशाल्लाह इस टाइम को ना कैश करें, ये टाइम मिला है अल्लाह ताला ने टाइम दिया तो कैश करें। हम होता है कि हम आधे ज़्यादा टाइम तो ट्रैवलिंग में गुजार देते हैं, जैसे बात की दानिश साहब ने, हमारा आधी टाइम तो शहर फैसल में गुजर जाता है, तो उसको हम कैश करें, उसमें हम लोग आगे निकलें। ठीक है, एक तो ये हो गया, अब आपको ऑब्जेक्टिव एंड गोल में बात की, मैंने आईडी जिसकी बात की, फ्री कोर्सेज हो रहे हैं, स्किल सेट को सेट करें। अच्छा, दूसरा क्या भी चैलेंज आएगा आपके पास, जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनके चैलेंज आने वाला है, इंटरव्यूज जो होंगे ऑन फोन होने लगेंगे अभी, ठीक है, तो मौके अभी, तो उसमें होगा क्या कि आपको अपना इस तरह प्रिपरेशन करना है, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, सही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स को। तो अभी होगा क्या, इंटरव्यू जो होंगे वो कॉल्स होंगे, तो उस पर करना है क्या, बच्चों को जो अपनी फ्रेश ग्रेजुएट्स हो रहे हैं उनको चाहिए कि अपना एक पूरा एक पॉइंटर्स बना लें, ठीक है, अगर आपका स्काइप पे इंटरव्यू है या और सिर्फ ऑन फोन है, या अपने पेपर पे अपने पॉइंटर्स बना लें कि मुझे ये बात करनी है, और बंदे सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या बातें होंगी, क्योंकि इंटरव्यू क्या आपको पता है, सब एक ही सवाल करते हैं, क्यों आना चाहते हैं, अपनी अचीवमेंट बताएं, अपने प्रोजेक्ट बताएं, लास्ट जो है नॉर्मल अपनी आपके शौक क्या है, इसमें भी एक डिबेट है, सी वी की और इंटरव्यू प्रिपरेशन की एक पूरी डिबेट है, पूरा गेज किया जाता है और क्या क्या चीज़ें गेज की जाती हैं जो स्टूडेंट्स लैक करते हैं, इवन कि मैंने अब जाके सीखी हैं अपने सीनियर एचआर प्रोफेशनल्स के साथ बैठ के, तो हम समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा इंटरव्यू दे दिया, होता ही है कि आप बहुत चीज़ें ऐसे ऐसे पॉइंट छोड़ देते हैं जिससे आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो उसका भी एक सेशन रखना पड़ेगा, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब ये आपके आपको इंटरव्यू प्रोफेशन की बात बता रहा था मैं कि इंटरव्यू के लिए अब जो है बच्चों को चाहिए कि अपने इंटरव्यू की एक लिस्ट बनाएं, उसमें पॉइंटर्स बनाएं कि क्या क्या डिस्कशन होगा, अगर स्काइप पे इंटरव्यू हो रहा है तो एक आपके स्टिकी नोट्स का एक होता है वो खोल के साइड में खोल लें और अपने पॉइंट्स उसमें बना लें, ताकि आपका स्काइप पे इंटरव्यू हो रहा होगा या फिर फोन पे इंटरव्यू हो रहा है तो आप पॉइंटर्स को देख लें और ड्यूरिंग इंटरव्यू आपके पता मुझे क्या क्या बोलना है। अच्छा, इसकी प्रिपरेशन की तरीका ये, आप मॉक इंटरव्यूज करें अपने दोस्त के साथ करें, अपने घर वालों के साथ करें, फ़ोन कॉल पे करें कि किस किस साथ, क्योंकि इसमें इशू ये होगा कि हम जैसे हमने इंटरव्यूज दिए हैं, हम तो फेस टू फेस इंटरव्यू करते थे, तो आपको पता लग जाता है यार इंटरव्यूअर आपसे खुश है कि नहीं है, आप इसकी बॉडी लैंग्वेज अभी आप कुछ भी नहीं बता सकते, तो उसमें यह है कि आप अपने ही जो मतलब फ्रेंड्स हैं उनके साथ मॉक इंटरव्यूज करें, ठीक है, डिस्कस करें, उनसे आइडिया लगा लेंगे, हाँ यार मैंने किस तरह में जो वॉइस डिलीवरेंस थी वो कैसी थी, ठीक है, आपने मेरी बात समझी नहीं समझी, तो उससे आपको बात क्लियर हो जाएगी। ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव और गोल को सेट करें, आईटी का जस्ट लेना पड़ेगा, स्किल सेट को बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, इंटरव्यू का थोड़ा मैंने बताया, ये तीन चार चीज़ें बताएं, और कोई मजीद सवाल है तो बिल्कुल, बाकी है कि पीआईसी का मैं आपको इंशाल्लाह वो गाइड कर दूंगा, बिल्कुल सही, जरूर करें और फ्री कोर्सेज पे अटेम्प्ट करें जी। अच्छा, आपने ये बिल्कुल सही बात की कि ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो बिल्कुल स्टूडेंट्स को लेने चाहिए, वो ले भी आई एम श्योर रहे होंगे। मेरा सवाल उसामा साहब आपसे ये है कि अभी आपने एक बात भी डिस्कस की थी, काफ़ी आपने मोटिवेशनल आयात भी पढ़ी, तो मैं अभी आपको सुन रहा था उसामा साहब, आपने एक पॉइंट डिस्कस किया था यूथ के हवाले से, स्टूडेंट्स हैं हमारे जो बच्चे हैं, लेकिन मैं एक बड़ी जेनेरिक बात कर रहा हूँ, आप टॉपिक से थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा बेटर होता है स्टूडेंट्स के लिए, कुछ यंगस्टर्स के लिए हमारे लिए, लेकिन वो उनके फायदे के लिए ही है। मैंने ये पर्सनली चीज़ नोट की है कि लैक ऑफ टॉलरेंस हमारी जो आजकल यूथ है, क्योंकि एक ट्रांसफर जाता है कि यार मैं तो बहुत नॉलेज और आई हैव इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं देखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी एग्जाम्पल लेते हैं फेसबुक, मुझे भी था, आप में भी था, हम तमाम जो लोग था, लेकिन तो क्या कंट्रोल किया जाए, क्योंकि बाजों का ऐसा होता है कि आप कहीं और निकल जाते हैं, फिर आप उसको सही ड्राइव नहीं कर पाते। मैं बहुत अकल हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, सारी चीज़ें मेरे सामने हैं, अंडरस्टैंडिंग ही चीज़ व्हाट हैपनिंग विद मी दैट ड्यू टू दैट एग्रेशन, और वो बिल्कुल बस सब खराब कर दिया। क्या कहेंगे दादा? अच्छा, ये बड़ा प्यारा सवाल है, और इसको अगर मैं दो पॉइंट्स में डिस्कस करना चाहूँ, पहला पॉइंट ये है
ये एग्रेशन जो है इसको चैनलाइज करना जरूरी है. मतलब अब कुछ लोग होते हैं एग्रेशन से डिप्रेशन में जाते हैं या एंग्जायटी क्रिएट करते हैं. ये मेरी साउंड जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, रिपीट हो रही है, माइक साउंड है. जी आपकी आवाज तो उसामा सही आ रही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा वो नॉइज है, लेकिन चलेगा, आवाज आ रही है जी. अच्छा, तो पहला पॉइंट तो ये था कि भाई इसके दो स्टेप्स हैं. अगर एग्रेशन को देखा जाए तो इसको चैनलाइज किया जा सकता है ऑन अ राइट डायरेक्शन. एक डायरेक्शन ये बनती है कि आप अपने आप को दावा कर लो, आपके अंदर एक फायर, देयर इज अ फायर इनसाइड ऑफ यू, एक कोटेशन है बड़ी मशहूर कि भाई ईदर यू बर्न योरसेल्फ ईदर यू बर्न योर एनिमीज. अब आपके एनिमीज कौन है ये भी पहचानना जरूरी है कि आपके ऊपर क्रिटिसाइज. मैं अपनी पर्सनल मिसाल देता हूँ कि मुझे किस चीज ने थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं कि लाइफ के अंदर जगाया, बेदार किया. आई वॉज इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, मतलब शायद मैं बात करता था तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा खान दादा है और मैं KU से पास आउट हूँ, आई एम MBA HR है, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाता. ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा मैसेज है, बहुत सारी पर्सनैलिटीज होती है. अब अपने इंट्रोडक्शन मेरा बड़ा वो लिमिटेड सा इंट्रोडक्शन, उसके अंदर लोग जब मैंने सोचा कि यार HRM के अंदर सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग फील्ड कौन सी, तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट के, मतलब आपको एक्सपोजर मिलता है, आप स्टेज पे जाते हो. लेकिन उससे बड़ा फेयर ये था कि पब्लिक स्पीकिंग, फेसिंग दी ऑडियंस और फिर उनको इंस्पायर करना, वो आपकी बात को समझे, आपके साथ जिसे कहते हैं आपके मैसेज को परसीव करें, फिर उस पर इम्प्लीमेंट करें, रिजल्ट आए. अब ये होते हैं कि मुझे उस वक्त ना, यानी स्टार्टिंग में कुछ लोग ऐसे थे वो कहा करते थे आप कैसे बन सकते हो ट्रेनर, यू आर इंट्रोवर्ट, आप तो अपना इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं करा सकते, आप जब बात करते हो तो झिझकते हो, आप बात करते हो तो आपके वर्ड्स आपके मुंह से नहीं हो रहे होते, हाउ कैन यू बिकम अ ट्रेनर. अच्छा, अब एग्रेशन जो चीज होती है ना वो चैनलाइज कैसे हुआ, मतलब एग्रेशन और बहुत सारी चीजों में निकलता था, दुख होता था, बंदा अकेले में जाके फील करता है कि यार ये मुझे क्यों, मैं ही इसीलिए बना था क्या सबसे कमजोर. हुआ ये कि जब उन लोगों ने क्रिटिसाइज किया तो मैंने उस चीज को और अपने अंदर ना रीबूस्ट करना शुरू किया कि यार मैं इनको साबित करूंगा कि यार मैं इतना कमजोर नहीं जितना आप समझते हो. मैंने ऑडियंस को फेस करना शुरू किया, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, मतलब आई स्टूड अप इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस एंड माय ब्रेन शट डाउन, कि मतलब बिल्कुल आई वॉज ब्लैंक. तो लोग हंसे भी, लोगों ने कहा भी यार क्या आ गए, तुम्हारा काम नहीं है ये, तुम्हारे जैसों का काम नहीं. कहने का मतलब ये है कि उसको चैनलाइज इस तरीके से किया जा सकता है कि मैंने फिर स्टीव जॉब्स कहा करता था ना, कनेक्टिंग द डॉट्स, यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स बाय लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स बाय लुकिंग बैकवर्ड. अब मैंने पास से मैंने अपने एक चीज ये देखी कि यार ऐसी क्या चीज है कि जो मुझे हेल्प आउट करेगी. तो वो था कि कुरान यूज किया हुआ मैंने, तो वो उसमें मेमोरी होती है वो मैंने कहा कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ है. मतलब आप अपनी पूरी पर्सनालिटी का एनालिसिस करते हो तो आप कुछ चीजें निकालते हो कि यार ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, यहाँ से मैं अपॉर्चुनिटीज को अवेल करूंगा और ये मेरे लिए थ्रेट्स है कि ये फौरन मैं यानी एंगर में आ जाता हूँ, डिप्रेशन में चला जाता हूँ, एंजाइटी में ये थ्रेट्स है. अब अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो अब मैंने कहा कि मेमोरी जो है ना वो अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाती है डायरेक्शन. उस मेमोरी का मैंने क्या किया कि मैं रिहर्स करता था, फिर ऑडियंस के सामने जाता था, तो अब टू सम एक्सटेंट वो रिहर्स और वो 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस रिपीटेशन उस चीज ने काफी हेल्प आउट किया और टाइम यानी कि ग्रेजुअली चीजें काफी इंप्रूव हुई और फिर उसको बैलेंस इस तरीके से करना आ गया कि जब कभी गुस्सा आता था ना किसी बात पे तो मैं और ज्यादा अपने काम पे मेहनत करता था. मतलब मैं उसको इसलिए नहीं कि मैं उसको डायरेक्ट जाके जवाब दूं, उम्मीद का जवाब उधर से दिया जाए, जवाब ये था काम जवाब दे, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैंने जवाब दिया तो मैं उसके लेवल पे आ गया, मेरा काम जवाब. तो मैंने उस काम को समझ ले, उसके मैार को मैंने ब्लैंक करता किया, अपने स्टैंडर्ड बनाए और उसके ऊपर मैंने वर्कआउट किया. अच्छा, एक बड़ी प्यारी मिसाल है शॉर्टकट, ये जनरेशन ही जो है या मोबाइल जनरेशन या आईपॉड जनरेशन कहा जाता है, ये शॉर्टकटर्स है, मतलब फौरन अभी चाहिए रिजल्ट, अभी हमने थोड़ी सी मेहनत कर दी रिजल्ट अभी चाहिए. मैंने वर्ल्ड चैंपियन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि मेरे अंदर भी बड़ा उसको देख के मोटिवेशन का पहाड़ मेरे अंदर भी जागा कि यार ही इज द वर्ल्ड चैंपियन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. मैंने उससे कहा कि हाउ कैन यू, मतलब हाउ, व्हाट वाज द जर्नी, हाउ डिड यू कवर दिस जर्नी. तो उसने बोला आई लर्न दिस लेसन फ्रॉम माई मदर, मैंने अपनी वालदा से सीखा. आई वन द वर्ल्ड चैंपियन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग अमंग 33,000 competitors all around the world. 33,000 लोगों का मुकाबला to become a world champion of public speaking.
मैं उसमें मैंने उस आई स्टूड फर्स्ट, मैंने ट्रॉफी विन की 2014 धनंजय श्रीलंका में अंदर। अच्छा अब उससे मैंने कहा कि व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर फादर, उसने कहा मैं ट्रॉफी लेके श्रीलंका पहुंचा, अपनी मेरी वालदा मुझे अटेंड आई, मैंने उनको ग्रीट किया, मैंने उनको गले लगा के हक किया, मैंने प्यार किया, उन्होंने मुझे प्यार किया, मुबारकबाद दी, हम घर गए। उसके बाद मैंने वालदा से कहा मॉम aren't you happy your son made you proud that I become a world champion of public speaking, मतलब मैंने इतना बड़ा मार्कर अचीव किया है, आपको खुशी नहीं है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर नहीं आ रही। वालदा ने कहा इट वॉज फन ऑफ द जर्नी, अभी सर थोड़ी बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव और गोल्स की, कह रहा था इट वॉज फन ऑफ द जर्नी, मेरी वालदा ने मुझे कहा इट वॉज फन ऑफ द जर्नी यू कवर्ड, इट वॉज अ माउंटेन, यू क्लाइंब दैट माउंटेन, यू रीच अप टू द टॉप, यू कवर्ड दिस माउंटेन, नाउ देयर इज अनदर बिगर माउंटेन, यू आर स्टैंडिंग एट द बॉटम, एट द हाइट ऑफ 5000 फीट देयर इज अ लेस ग्राउंड, at the height of 10,000 feet Robin Sharma, मतलब कह रहे थे कि it's a continuous process, ये कभी खत्म नहीं होगा, और ये अल्लाह कुरान में भी कहता है वाबुद रब्बका हत्ता यातियका यकीन, it's a continuous process, मौत तक तुम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, इंसान जो है वो मौत तक कंटिन्यूसली सफर में रहेगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट रुकेगी नहीं, लर्निंग रुकेगी नहीं, इनोवेशन रुकेगी नहीं, जैसे जैसे इंसान जिद्दत अपनाएगा, जैसे जैसे इंसान जो है अपनी बेहतरी करता जाएगा, तो वो उसको इतना ये पता चलेगा। बड़ी प्यारी बात है जलालुद्दीन रूमी की, कहते हैं इंसान जो है जो जितना बड़ा इल्म होता है उसको ये पता चलता है कि वो कितना बड़ा यानी कितना छोटा है, जो जितना ज्यादा जिसका इल्म उरूज पे पहुंचता है ना, जो यानी कि जितना ज्यादा जानता है उसको ये पता चलता है वो कितना कम जानता है, जैसे कि अल्लाह ने कहा या लमू मा बैना कुल्ली मा खल्फा हूं, आयतुल कुर्सी के अंदर कि तुम्हें इल्म उतना ही अता किया गया जितनी मेरी मंशा है, जितनी मेरी चाह है मैंने उतना ही इल्म दिया है इंसान। और थोड़ी सी कॉर्पोरेट से रिलेट करूंगा इससे, ये पेशेंस मैनेजमेंट, इट्स अ मल्टी बिलियनर बिजनेसमैन, मैं तो उसको सूफी कहता हूँ, मतलब मुझे बहुत इंस्पायर करता है वो बंदा, रतन टाटा का आपने नाम सुना हुआ होगा, टाटा ग्रुप का जो ओनर है। जी जी, रतन टाटा जो है इनको एक बार लॉसेस में देखिए, लोग मुंबई में इनका प्लांट हुआ करता था, उसका ये पैसेंजर व्हीकल, जैसे हमारे यहाँ हाईएक्स होती हैं, हमारे यहाँ ये पिकअप व्हीकल्स होती है ना, पैसेंजर व्हीकल्स 18 सीटर 20 सीटर, तो इन लोगों का मुंबई में प्लांट हुआ करता था, तो ये इन लोगों ने पैसेंजर व्हीकल, उस जमाने में फोर्ड का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा था, ये केस स्टडी है, इस पर पेशेंस का बड़ा लेसन है, फोर्ड का जो मार्केट शेयर था बहुत ज्यादा था, जिसे कहते हैं कि मार्केट शेयर भी कैप्चर ही नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल फेल हो रहा था, फ्लॉप हो रहा था, प्रोडक्शन इन्होंने कर ली थी, बिक नहीं रही थी गाड़ियां, फोर्ड क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट को लीड करता था, यानी कि कैप्चर किया हुआ था, मोनोपोली सॉर्ट ऑफ। अब इन लोगों ने कहा कि भाई अब हम तो चला नहीं पा रहे, प्लांट पे पैसा लगा हुआ है, प्रोडक्शन फिर वर्कर्स, तो ये सारे जॉबलेस हो जाएंगे, लॉसेस में जा रहे हैं हम लोग, तो इन्होंने एक मीटिंग सेट की किससे, वो जो बिल फोर्ड है, फोर्ड कंपनी के, फोर्ड मोटर्स के जो ओनर है, वो जर्मनी में उनका हेडक्वार्टर है, ये जर्मनी गए टीम लेके, अपनी जो इनके कंसल्टेंट्स थे और ये खुद रतन टाटा जर्मनी गए, उनसे मीटिंग की, और मीटिंग के अंदर इन्होंने उनसे कहा कि सर आपके फोर्ड मोटर पैसेंजर व्हीकल के सामने हम लोग तो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, लिहाजा मैं आपको ये प्रपोजल देना चाहता हूँ कि आप ये हमारा पैसेंजर व्हीकल डिवीजन हमसे खरीद लो, ये हमसे ले ले, और ये मैं आपको उस प्राइस पे दे देता हूँ कि मेरा लॉस ना हो, आपको बहुत ज्यादा डैमेज ना हो, आप इसको ऐड कर लो, आपका तो मार्केट शेयर, आपकी क्रेडिबिलिटी, फ्रेंडशिप आपकी तो यानी ऑलरेडी ग्रोन है। उन्होंने जो इनको जवाब दिया, उन्होंने कहा अगर धंधे की समझ नहीं थी, बड़ा यानी बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन कन्वर्सेशन, बड़ी रफ लैंग्वेज में, कि धंधे की समझ नहीं थी तो धंधे में आए क्यों थे, इफ यू डिडंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस बिजनेस व्हाई यू स्टेप इनटू दिस बिजनेस, रतन टाटा को बिलबोर्ड ने कहा, और रतन टाटा को ये बात बहुत बुरी लगी, मतलब बुरी इन अ सेंस कि अब मैं पूरी दुनिया में किसी को भी बेचूंगा, मैं बिलफोर्ड को नहीं बेचूंगा, बहुत उनको यानी कि जिसे कहते हैं ना अंदर तक ये बात लगी। वो मुंबई वापस आए, प्लांट के ऊपर उन्होंने 12 टू 18 आवर्स की ड्यूटी, यानी एक वर्कर भी ओवर टाइम लगा के जो काम करता था ना, तो 18 आवर्स उन्होंने प्लांट पे सर्व किए। अब वो कहते थे कि इसको टर्न अराउंड करके दिखाऊंगा, मतलब उन्होंने कहा कि मैं इसको जवाब तो नहीं दे सका जर्मनी में, इसने मुझे कहा धंधे की समझ नहीं थी, कारोबार की समझ नहीं थी, अब मैं इसको काम से जवाब देता हूँ। इन्होंने कुछ 6 महीने के अंदर पैसेंजर व्हीकल डिवीजन को ग्रो किया और बिलफोर्ड के मार्केट शेयर को इन्होंने यानी जिसे कहते हैं रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ तक के बिलफोर्ड मजबूर हो गया, बिलफोर्ड आया मुंबई, इनसे मीटिंग सेट की और कहा कि यार आई वॉज रॉन्ग, आई टेक माई वर्ड्स बैक, नाउ आई वॉन्ट यू टू बाय माई
रेंज रोवर का जो वो है इनका इनका पैटर्न है फोर्ड के पास था पहले अब इनके पास है टाटा मोटर्स। तो ये रेंज रोवर जो है ये आप हमसे खरीद लो इसका इसकी रॉयल्टी आप हमसे खरीद लो हम आपके सर्वाइव नहीं कर पा रहे। और रतन टाटा ने 9600 करोड़ में डील लॉक की थी। कहने का मतलब है रतन टाटा ने काम से जवाब दिया। और फिर अगर उससे भी बड़ी मिसाल अगर हम पेशेंस मैनेजमेंट की देखें तो लाइफ का वाक्य है चारों तरफ से पत्थर है मेरा नबी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता है अथॉरिटी है अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा है। फरिश्ता सवाल कर रहा है कि ये पहाड़ों के दरमियान रहने वाले जो है इनको मसल दू पहाड़ों को मिला दू। नबी कहता है अल्लाहुम्मा फिल कौमी फइन्नहुम ला यअलमून या अल्लाह मेरी कौम को माफ करना है जानता कोई नहीं मैं हूँ कौन। ये पेशेंस मैनेजमेंट है ये सबर है ये बर्दाश्त है जो कि हमें हमारी तालीमात से मिलती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फौरन रिजल्ट्स चाहते हैं हम लोग फौरन ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं हम लोग फौरन जिसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ा मैसेज इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ नई जनरेशन के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि बांटना सीखें। देखिए कोई भी चीज़ फायदेमंद तब तक नहीं हुई जब तक उसने दिया नहीं। दरख्त भी अपने आप को आधा जमीन में दफन करता है तो जाके फिर उस पर हरियाली होती है फल निकलते हैं फूल निकलते हैं। तो नई जनरेशन जो है ना इसको सबर करना है इसको अपना टाइम पूरा देना है इसको इनपुट पूरा देना है शॉर्टकट और ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ये किसी भी जमाने में या किसी भी दौर में एप्लीकेबल नहीं रही। तो बाय द टाइम सारी चीजें अचीव होती हैं लेकिन कंसिस्टेंसी इज द प्रिंसिपल। कहते हैं ना रिवर कट्स थ्रू द रॉक गरिया जो होता है वो उसको चीर देता है या उसको दो टुकड़े में कर देता है पत्थर को नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर वो अपने फ्लो की वजह से नहीं करता वो अपनी तसलसल कंसिस्टेंसी की वजह से करता है। और यकीन यूथ को बहुत इस बारे में सोचना है बल्कि हम सबको ही सोचना है। और एक सवाल क्योंकि अभी हम बस एंड की तरफ ही जा रहे थे लेकिन मुझे फौरन अभी याद आया क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं दे आस्क दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस मोर ऑफन। तो अजान साहब इसका आप जवाब दीजिएगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वर्किंग प्रोफेशनली सो इफ दे वॉन्ट टू मेक अ स्विच इफ दे वॉन्ट टू स्विच देयर जॉब्स तो व्हाट इज द आइडियल टाइम टू मेक अ स्विच। अभी इन हालात की तो बात नहीं कर रहा मैं लेकिन नॉर्मल हालात में क्या आप समझते हैं कि एक आइडियल टाइम क्या होता है जब एक बच्चा कोई भी इंसान ये समझता है कि यार उसे स्विच करना चाहिए। मैं बहुत सारे लोग ऐसे जानता हूं जो 5 years, 6 years, 7 years they've been working in many organizations most of the people really end up and you know they're really demotivated at the end and they switch their job बहुत अरसे के बाद जो कि स्विच करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा जल्दी कर लेते हैं तो ये बड़े एक कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को especially क्या कहेंगे आप अजान साहब। अजान आपको आवाज आ रही है मेरी माइक आपका म्यूट है बिफोर यार करियर स्विच की आप बात कर रहे हो आसान करियर स्विच से पहले तो मैं करियर सिलेक्शन की बात करूँगा। आर द स्टूडेंट श्योर के वो लोग जिस डायरेक्शन को परस्यू कर रहे हैं इज द राइट डायरेक्शन फॉर देम और नॉट। अगेन स्पीकिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हमारे ग्रेजुएट्स जो कमिंग करते हैं उनको डिफरेंट डायरेक्शन में जॉब मिलते हैं प्लानिंग की तरफ भी मिलते हैं प्रोडक्शन की तरफ भी मिलते हैं मेंटेनेंस सप्लाई चेन इन्वेंट्री अब मेरी फील्ड आ गई है सिस्टम्स डेवलपमेंट की ऑपरेशन एक्सपीरियंस की। लॉट ऑफ ऑप्शन एवरी division requires a different skill set every division requires a different mindset aur bahut dafa maine dekha hai ki students thoda decisions apne panicky mode mein bhi lete hain supply chain bahut booming field hai for the last couple of years bahut booming field hai lekin wo booming field hi aaj reason hai ki aaj puri duniya apne ghutno pe aayi hai because hamari itni supply chain globally phaili hui hai to because of this pandemic har country individually apne taur pe suffer kar rahi hai textile industry suffer kar rahi hai exporters suffer kar rahe hain। एक पॉइंट जो आसान ने अपना किया था मैं उसको फिर से सेकंड करूंगा कि आईटी का जिस्ट हर स्टूडेंट एवरी प्रोफेशनल अपने फील्ड के लिए ले ले। एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में ये भी आती है कि व्हेन यू एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप तो हमेशा आईटी और डिजिटल और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं सर हम तो इंजीनियर हैं हम तो बायोमेडिकल के हैं हम तो कॉमर्स के बंदे हम क्या करेंगे। Is not इसको ना हम लोग separate field समझना ही छोड़ दें। IT should be a part of every basic profession। अगर मैं engineer हूँ तो मुझे ERP software की familiarity जरूरी है, मुझे SAP की familiarity जरूरी है, मुझे different Excel skills, dashboard skills और presentation expert चीजें की जरूरी है। That is applicable for banking, that is applicable for food services, delivery services। तो हर industry में इसकी importance है। तो stop treating it as a separate field। People need to accept it as part of their own current jobs।
जहां तक आप जॉब स्विच की बात कर रहे हो, अगेन एज यू सेड, ये टाइम हम लोग वेस्ट ना करें. एवरीबडी स्टडिंग, एवरीबडी इज अपडेटिंग देयर प्रोफाइल्स होपफुली. दिस इज ऑल्सो टाइम टू एक्सप्लोर योर ओन इंटरेस्ट, एक्सप्लोर योर ओन पैशन, एक्सप्लोर योर ओन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, जिसकी हम बात कर रहे थे. फील्ड चेंज करना इज नॉट ईजी, स्पेशली अगर आप कपल ऑफ ईयर्स इन्वेस्ट कर लें. इसमें मैं छोटा सा इनको यही दूंगा कि आई सीन अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, मैं डिफरेंट प्रोफाइल्स को देखता हूँ तो कुछ मुझे वो मिलते हैं. अगेन मैं घूम करके बाबा थ्री इडियट्स की मिसाल देने लगता हूँ, लेकिन जिसमें एक लड़का इंजीनियरिंग करता है और फिर एमबीए करता है और फिर उसके बाद जाके बैंक में नौकरी कर लेता है. ऐसे एग्जांपल्स आर वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. आई हैव सीन पीपल जो सप्लाई चेन की मास्टर्स कर रहे होते हैं और क्वालिटी में जॉब कर रहे होते हैं, एंड आई एम आस्किंग देम कि भाई आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू. द की टू पीपल दैट आई हैव सीन हूव ग्रोन वेरी क्विकली, हूव ग्रोन हैंडसमली, अगर हम ग्रोथ को सैलरी या डेजिग्नेशन का नाम देते हैं, तो वो वही लोग हैं जिन्होंने अपनी करियर की जो पाथ थी वो बहुत ही स्पेसिफिक रखी है. People who found out कि यार ये हमारा area of expertise है, मैं इसी के related courses करूँगा, मैं इसी के related workshops attend करूँगा, मैं इसी के लिए अपने behavioral skills develop करूँगा, मैं अपनी job में भी JD में भी make sure करूँगा मैं ये काम कर रहा हूँ. Those who invest in the same direction eventually end up in the right direction. सर, मैं एक चीज़ add करूँ अगर इजाज़त हो. जी जी, sure. बड़ी माज़ा था, मैं बीच में interrupt कर रहा हूँ, मुझे एक चीज़ याद आ गई. मैं इंटरव्यू ले रहा था, एक मरतबा मुझे एक स्टूडेंट ने बोला था, मैंने कहा क्यों आप एचआर में क्यों गए, तो उसने कहा कि सर मुझे मार्केटिंग की टीचर पसंद नहीं थी और फाइनेंस मुझे समझ में नहीं आती. तो ये कोई मतलब इस तरह की रीज़न जब आते हैं ना, तो बंदा बोलता है कि मतलब कुछ बोल नहीं सकता, क्या बोलेगा. मतलब इतने मासूम लोग हैं, इतने मासूम लोग हैं यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है. एक तो ये सीन, दूसरा ये कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य मैं सर इंटरव्यू में हुआ था, मैं हमेशा उसको कोट करता हूँ. मासूमियत की हद देखी है बच्चों की, कि मैंने कहा बेटा, अब बेटा ही शुरू हो गया था, क्या क्या मैंने कहा अच्छा एचआर में है आप, क्या आगे क्या करना चाहती है. वो एमबीए में थे वो स्टूडेंट. तो मैंने कहा अच्छा बताएं, अभी तो आपकी क्लासेस चल रही हैं तो अब कैसे मैनेज होगा. बोले सर मैं मैनेज कर लूँगा ऐसे कि कोई मसला आएगा तो वो स्टूडेंट मुझे कॉल करेगा और मैं रिक्शे में बैठूंगा और मैं ऑफिस आऊँगा, उसका मसला सॉल्व करूँगा और उसके बाद मैं जाके क्लास ले लूँगा. और मैंने कहा अच्छे सैलरी कितनी, तो एक्सपेक्टेड माशाल्लाह ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी. तो मतलब स्टार्टिंग में 70 पे चल रहे थे, तो मतलब स्टार्टिंग ही ऐसा चल रहा था उनका, और वो आएंगे और वो मसला सॉल्व करके चले जाएंगे. तो हमें पहले तो ये देख लेना चाहिए कि हम टीचर की वजह से कोर्सेज ना लें. पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि आपका जो पैशन है आप उसको फॉलो करें, ये ना करें कि मार्केटिंग का टीचर मुश्किल है, फाइनेंस का टीचर मैथ समझ में नहीं आती, तो इस तरफ ना जाएं. अपने आप को खुद देखें, करियर काउंसलिंग सेशंस लें, देखें क्या आपको क्या चीज़ पसंद है. बाकी जो स्पीकर्स हैं उन्होंने सही बात की है. तो ये दो मेरे पॉइंट थे, मैं इसमें ऐड करना चाहता था ताकि स्टूडेंट देखें. और प्लीज़ ये ना करें कि आप जब सैलरी की जब एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें तो आप मतलब ऐसा कह दें कि 90,000, 1 लाख, और मतलब ऐसा ना हो, क्योंकि आप दुनिया में अकेले नहीं है जो कि जॉब सर्च कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं. तो इस तरह से मतलब इररिलेवेंट कोई एक्सपेक्टेशन जी एहसान, जस्ट बिफोर आई क्लोज, मैं जस्ट एक क्लोजिंग पॉइंट इसमें दे दूं, वेरी गुड पॉइंट फ्रॉम दानिश भाई. इसका मुझे एक और एक्टिविटी बात ये भी याद आई कि यही आप करियर स्विचिंग की बात कर रहे हो, करियर सिलेक्शन की बात कर रहे हो, 2-3 बाइस में तो सबसे ज्यादा कॉमन है. सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, ये तो ऑब्वियसली एवरी फ्रेश ग्रेजुएट का पहला सवाल होता है. सैलरी अगेन, स्टार्टिंग सैलरी, पहली जॉब की सैलरी तो मैटर ही नहीं करती, आई डाउट राइट से दैट, वो दैट गोज ऑन एंड प्रोग्रेसेस लेटर ऑन. प्लस इस सिचुएशन में जहाँ पेंडेमिक है, सैलरी शुड बी द लीस्ट ऑफ योर रिक्वायरमेंट. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब कंपनीज बहुत लिमिटेड हायरिंग करेंगी, लिमिटेड बजट पे हायरिंग करेंगी, फिर आप कंपनीज जो सैलरी कट्स पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस एक्सपेक्टेशन को आप जितना रियलिस्टिक कर लो उतना आप लोग के लिए बेहतर है. व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट कि आपका प्रोफाइल मूव फॉरवर्ड करता रहे, यू गेनिंग एक्सपीरियंस. तो पहली तो ये चीज माइंड में रखनी है बच्चों ने, पैसों के बेस पर डिसीजन नहीं लेना जॉब का. सेकेंड, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर डिसीजन नहीं लेना. मैं इसके पीछे बहुत देखता हूँ. ऑफकोर्स एवरी प्रोफेशनल वॉन्ट्स टू वर्क इन एन एमएनसी. मैं भी चाहता हूँ कि मैं एंग्रो और यूनिलिवर और बड़ी बड़ी एमएनसीज के ऊपर इवेंचुअली एक बहुत अच्छा जॉब लैंड कर जाऊँ, बहुत अच्छे बेनिफिट्स हों, बहुत सारे हों. बट दैट डज नॉट कम विद द प्राइस ऑफ कि मैं एक्चुअली काम क्या कर रहा हूँ. मैं अगर क्वालिटी का बंदा हूँ, मैं अगर सिस्टम्स का बंदा हूँ, तो मैं प्लानिंग का काम नहीं कर सकता वहाँ पे. एंड आई नो दैट क्योंकि मेरा एक अपना इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है, मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊँगा. मेरे 3 प्राइमरीली मेजर जॉब्स हैं, उसके बीच में मेरी एक जॉब रही है एक बड़ी एमएनसी में 4 दिन के लिए, और 5वें दिन मैंने रिजाइन करके जॉब छोड़ दी थी, मैं उसको कोट नहीं करता.
और उसमें रीजन यही था कि मैंने ये मिस्टेक की थी कि आई लिसन टू एवरीबडी एल्स, यार उस कंपनी में बोनस ज्यादा है, उस कंपनी में सैप का सॉफ्टवेयर है, हर कोई कहता है यार सैप की फेमिलियरिटी ले लो, अमरीका में जॉब मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट द मिस्टेक आई मेड वॉज कि मैंने उस प्रेशर में आके अपना फील्ड ऑफ वर्क छोड़ के दूसरे फील्ड ऑफ वर्क में चला गया। मैं प्लानिंग की डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ क्योंकि वो लोग रिपीटेडली एक ही काम करते हैं, एक शीट खोलते हैं, स्टेटस देखते हैं, फोन करके सप्लायर को दो गालियां देते हैं, देन दे कीप डूइंग दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मेरी जिस तरह का नेचर है, मैं जरा प्रोजेक्ट बेस्ड वर्किंग को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो इफ यू चूज योर जॉब्स और योर करियर बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट डज नॉट मीन आप वो जॉब चूज करो, दैट इज द करेक्ट नेक्स्ट स्टेप फॉर योर स्किल्स टू डेवलप इन द राइट डायरेक्शन। अब वो जिस एरिया में आपने एक्सपर्टीज ढूंढते हो उसके ऊपर देखो, उसके बाद आप फाइनली आते हो कि यस द बिगर ऑर्गेनाइजेशन द बेटर। आज देख लो बड़ी छोटी ऑर्गेनाइजेशन सारी बराबर हो गई है। इनफैक्ट आई वुड से अगर मैं टेक्सटाइल की एक्सपीरियंस की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त जितनी बड़ी साइज की है उतना ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। मेरी टेक्सटाइल कंपनी 3,000 लेबर कैरी करती है, आई नो कंपनी जो कि 30,000 लेबर कैरी कर रही है, जहाँ 30,000 कैरी हो रही है वहाँ डाउन साइजिंग भी ज्यादा हो रही है। तो दिस इज ये साइज को अपनी स्क्रोप और अपनी ग्रोथ से रिलेट नहीं करें। इफ यू आर गेटिंग द राइट एक्सपीरियंस, इफ यू गेटिंग द राइट डेवलपमेंट, यू विल यूज दैट टू गेट अ गुड जॉब इन एन एमएनसी लेटर ऑन। तो उसको उसका भी प्रेशर कैरी नहीं करो, फाइंड द राइट जॉब इन टर्म्स ऑफ द स्कोप इन द डिपार्टमेंट दैट यू दैट्स योर एरिया। दैट्स ये पॉइंट मुझे इसमें ऐड करना। टेकन लास्ट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू आवर स्टूडेंट्स, क्या ऐसा मैसेज होगा तो आप लोग प्लीज शेयर करें। उसामा साहब आप अगर दें, स्टूडेंट्स आपको यकीनन देख रहे हैं। अच्छा, लास्ट मैसेज में यही, यानी कि देखें हम सब नमाज पढ़ रहे हैं, रमजान का महीना है बड़ा, यानी इस मैसेज को मैं थोड़ा सा जिंदगी से रिलेट करना चाहूंगा। हम सबकी जिंदगी है और जिंदगी भी कहते हैं कि हमारा कोई दावा नहीं है। अब यानी एक मैं सवाल, अगर मैं यानी जो लिमिटेड अभी मेरे सामने ऑडियंस है, मैं कहूँ कि हमारी जिंदगी कितनी है, आप एवरेज एक्सपेक्टेंसी तो बता सकते हो 55 इयर्स या उससे भी कम हो चुकी है। अब तो मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है तो उसकी वजह से हमारी एवरेज एक्सपेक्टेंसी भी कहते हैं 52 या दूसरे फैक्शन फिगर्स कुछ 57-58 भी बताते हैं। मतलब है मैं थोड़ा सा शरीयत से इस चीज को मैं देखना चाहूँ कि इंसान की जिंदगी कितनी है। अल्लाह ताला ने यानी जब इंसान को आजमाइश या इंसान को तकलीफ किया तो इंसान को बताया कि भाई तेरी जिंदगी कितनी है, ऐ बंदे तेरी जिंदगी कितनी है। तो अल्लाह ताला ने कहा सलासा अय्यामिन, 3 दिन है तेरी जिंदगी, जो है मेरे बंदे तेरी जिंदगी 3 दिन है। एक दिन गुजर गया, पिछला जो कल है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल वी आर सिटिंग ऑन सैटरडे, फ्राइडे वेंट ऑन, मतलब फ्राइडे जो जा चुका है उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता, कितना बड़ा अच्छा ग्राफिक का या एडिटिंग का एक्सपर्ट हो, पीछे जाके अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, उन लम्हों पे उसकी कोई कमांड नहीं है, वो हो चुका। अब एक आने वाला कल, वो कहते हैं ना कि अब नेक्स्ट जो दिन आएगा वो संडे है, लेकिन किसी का दावा नहीं है कि वो जिएगा कि नहीं जिएगा। और फिर उसके बाद जो लम्हात रह जाते हैं, तीसरा दिन, एक दिन गुजर गया पीछे वाला, एक दिन आने वाला कल, उस पर कोई दावा नहीं, पीछे वाले पे कोई आपकी ग्रिप नहीं। अब जो आप गुजर रहे हैं, यौमा अंतफी, इस वक्त जो लम्हात आप पे गुजर रहे हैं ना, दरअसल ये आपकी जिंदगी है। तो वो जो बहुत जरूरी है, एनर्जी, पैशन, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, और आपकी जितनी भी यानी आप कहते हो ना कि आपको जगाती है चीजें, या आपको जैसे कहते हैं कि उभारती है, या आपको लेजीनेस से दूर करती है, या आप कहते हो ना कि अभी दुनिया को चेंज करके रखूं, तो इमाम गजाली की बड़ी प्यारी बात है, रॉबिन शर्मा ने अंग्रेजी में लिखी तो ज्यादा सेल हो गई, वो कहता है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, किताब है उसकी। एम आई बीइंग ऑडिबल? जी जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। रॉबिन शर्मा इज द बेस्ट सेलिंग ऑथर, तो उसने कहा हु विल क्राई व्हेन यू डाई, किताब है पूरी, इमाम गजाली, आज से 700 साल पहले इमाम गजाली ने कहा था, रॉबिन शर्मा ने तो 20वीं सदी में लिखी है। तो इमाम गजाली कहते थे आप पैदा हुए, आप रो रहे थे, लोग खुश हो रहे थे। मैं थोड़ा सा जिंदगी के मकसद पर्सपेक्टिव से उनके कैरियर, उनकी जो जैसे कहते ना जो उनकी डायरेक्शन है, मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। आप पैदा हुए, आप रो रहे थे, लोग खुश हो रहे थे, मतलब आपके वालिद, वालदा, दादा, दादी, नाना, नानी, पूरा खानदान खुश हो रहा था आपकी पैदाइश पर। आप रो रहे थे, लोग खुश हो रहे थे, आप बड़े हुए, माशरे को देखा, जमाने को देखा, शऊर बेदार हुआ, तो आपके अंदर ये सवाल उठा कि मैं इस दुनिया में आया क्यों। ये किसी और मखलूक में नहीं उठता, मकसद का सवाल इंसान में उठता है, इंसान अशरफुल मखलूक आते हैं इसी बिना पे, ये सवाल उठता है कि मेरा होने का मकसद क्या है। अब इमाम मालिक का एक कौल है, वो कहते हैं कि देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ, इंसान की जिंदगी में दो अहम दिन है, सबसे अहम दिन दो दिन है, वो है द डे यू बॉर्न, जिस दिन आप पैदा हुए, एंड द डे यू डाई।
हर इंसान के लिए सबसे अहम सवाल व्हाई है, व्हाट थिंग है, हम क्या करना चाहते हैं, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, हम क्यों कर रहे हैं. जी जी बिल्कुल, हम क्यों कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है. अब मैं छोटी मिसाल देता हूँ. अब मुझे कहा जाए बिल्डिंग है 15 मंजिला इमारत है, उसके अपोजिट भी 15 मंजिला इमारत है, एक लकड़ी का प्लैंक है, वो कनेक्ट करता है दोनों बिल्डिंग्स को. नॉर्मल अगर जमीन पे फ्लोर पे होगा तो मैं बड़ी आसानी से चल लूंगा उस पे प्लैंक के ऊपर, लेकिन अगर वो 15 मंजिला इमारत पे रखा हुआ है और दूसरी बिल्डिंग से कनेक्ट होता है और मुझसे कहा जाए मैं आपको 10 लाख रुपीज ऑफर करता हूँ, 15 लाख रुपीज ऑफर करता हूँ, कोई मुझसे कहे आप दूसरी बिल्डिंग तक जाना है, ये आपका चैलेंज है, या आपका चैलेंज है आप वहां से वहां तक उस बिल्डिंग के रूफ टॉप तक जाना है इस प्लैंक पे चलते हुए, तो क्या मैं उस वक्त अपनी जिंदगी की कीमत 10 लाख रुपए लगाऊंगा? डर है, खौफ है मेरे अंदर कि भाई मैं पहुंचते पहुंचते कहीं बीच में अगर जरा सा बैलेंस आउट हो, एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर एकदम जिसे कहते हैं डर आ जाए तो मैं गिर सकता हूं. अब ये तो वॉट है कि मुझे बता दिया गया कि ये मिलेगा अगर यहां से वहां तक आप जाते हो चल के, आपको ये मिलेगा, ये चैलेंजिंग भी है, ये रिवॉर्डिंग भी है. अब बच्चों के कैरियर जो होता है ना वो सिर्फ रिवॉर्डिंग या चैलेंजिंग उस चीज को देख के निकल पड़ते हैं, वो अपने आप को नहीं खंगालते कि हमारी एबिलिटी क्या थी. अब असल सवाल क्यों, व्हाई. अब इसी सवाल को मैं थोड़ा सा फ्लिप करता हूँ. ये प्लैंक जो है उसी 15 मंजिला इमारत पे कनेक्ट करता है, वहां पे लगी हुई है आग, दूसरी बिल्डिंग में आग लगी हुई है और मुझे यहां से वहां तक चल के जाना है, लेकिन मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, मेरा अपना कोई प्यारा उस बिल्डिंग में जलने वाला है और मुझसे कहा जाए उसकी जान बचानी है आपने, तो क्या अब मेरा रीजन स्ट्रांग होगा इस काम को करने का? तो अब ये जो रीजन है ना, बच्चों को वो रीजन तलाश करना है कि क्यों कर रहे हैं, उनके अंदर से आवाज आती है, क्या चीज है उनकी, अपनी कॉलिंग क्या है. अगर कोई पेंटर है या स्केच आर्टिस्ट है ना तो वो उस काम को करे, वो काम अगर वो उसको वक्त देता है, वो उस पर इन्वेस्ट करता है, वही काम उसके ड्रीम्स को पूरा कराएगा. और अगर कोई सिंगर है, और अगर कोई सिंगर है तो वो अपनी सिंगिंग को फोकस करे, अगर कोई राइटर है तो वो अपनी राइटिंग को फोकस करे, कोई स्पीकर है तो अपनी स्पीकिंग को फोकस करे. इसी तरीके से जितनी भी फील्ड निकलती है, कोई नंबर्स का अच्छा है कैलकुलेटर के बगैर पूरी बैलेंस शीट और इन चीजों को सॉल्व करता है, फाइनेंस, कोई मार्केटिंग का अच्छा है तो वो आइडियाज पे फोकस करे, किस तरीके से और मजीद क्रिएटिविटी, लोगों को किस तरीके से हम ज्यादा विजिबल कर सकते हैं अपने ब्रांड प्रोडक्ट्स को. तो आखिरी बात यानी जिसमें मैं क्लोज करूं, देखिए सबको याद होगी सूरह असर, अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाई है सूरह असर में, दो लाइन है और सबको जबानी याद होती है. मैं थोड़ी सी इसको यानी कि मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके बच्चों तक ये मैसेज देना चाहता हूँ. अल्लाह ताला कहता है वल असर, कसम है जमाने की, कसम है दिन के उस वक्त की जब सूरज ना तो निकला है ना गुरूब हुआ है, यानी कि ये दिन का दरमियाना वक्त है, इसकी कसम या जमाने की कसम. इन इंसान लफी खुश, इंसान का सारे में नुकसान में, एक्सेप्शन फॉर दोज इल्ला लदीना आमनू, जो यकीन रखते हैं. यकीन क्या है, जिन्होंने अपने आप को पहचाना है, मन आराफा नफ्सहु फकद आराफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचाना फकत उसने अपने रब को पहचाना. वामिलु सालिहात, उसने प्लानिंग की, उसने अपने आप को समझा, उसने अपनी डायरेक्शन सेट की, फिर उसके ऊपर अमल किया. वामिलु सालिहात, अमल किया, और अमल क्या, सालिहात, सालिहात से मुराद राइट, यानी कि राइटियस अमल, नेक अमल. और अगर इसको हम थोड़ा से कॉर्पोरेट की लैंग्वेज में देखेंगे ना तो फेलियर्स आएंगे. आप एक इंटरव्यू दोगे आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, आप दूसरा इंटरव्यू दोगे आपको कोई ऐसा क्रिटिसाइजिंग कमेंट मिल जाएगा. मेरा एक दोस्त था वो थोड़ा सा अकलाता था इंटरव्यू में, उसे तकरीबन 4 इंटरव्यूज में इस बात पर रिजेक्ट किया गया है कि यार आप तो आगे जाके कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते, आप एचआर का जो बंदा होता है वो तो पॉलिसीज और सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कराता है, वो तो कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट होता है, वो ट्रेनिंग्स करता है, तो आप कैसे करोगे. तो उसने हार नहीं मानी, वो कोशिश में लगा रहा, करता रहा करता रहा, उसने उसको भी ओवरकम किया अपनी उसको, और फिर उसके बाद जिसे कहते हैं आज वो ट्रेनिंग्स करता है, आज वो ऑडियंस फेस करता है, पॉलिसीज खुद बनाता है, इम्प्लीमेंट करवाता है, विजिट्स करता है. कहने का मतलब है वामिर सौलियात फेलियर होगा, यानी कि अगर जिसने बल्ब बनाया है तो उसने भी 9999 दफा ट्राई किया, फेल हुआ, किसी ने कह दिया उसको क्या फेल हो गए, उसने कहा 999 दफा फेल हुआ, उसने कहा कि नहीं मैं 9999 ऐसे तरीके जानता हूँ जिससे बल्ब नहीं बन सकता, अब एक वो तरीका चल जाएगा जिससे बल्ब बन सकता है. तो इट वॉज अ जर्नी. तो फेलियर, एवरी सक्सेस स्टोरी इन द वर्ल्ड हैज अ ग्रेट स्टोरी ऑफ अ ग्रेट फेलियर, मतलब उसके पीछे बहुत सारे फेलियर होंगे जिनके वो चल के आज कामयाब है. थर्ड पॉइंट इज द तवासो बिल हक, अपने आप से सच बोल, अपने आप से सच बोल.
मतलब हम किसी को भी धोखा दे सकते हैं दुनिया में, अपने आप को धोखा ना दें। हम लोग ये जो कह रहे होते हैं कि यार ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, आपने कभी अपने आप को मौका दिया है वो करने का? आप हार पहले मानते हो। मेरा स्टूडेंट्स को यानी ये टेक ऑन है इस बात पे कि आप हार नहीं मानो, आप कोशिश करो। कोई चीज आपको अगर उभारती है ना, आपको अच्छी लगती है, तो लिटरली उसके ऊपर अपनी जान लगाओ। आप कोशिश से पहले हार नहीं मानो। दुनिया क्रिटिसाइज करती है, लोग रास्ता रोकते हैं, आप काम से जवाब दो। बतवासो बिल हक, फिर बतवासो बिल सब। ओवरनाइट चेंजेस नहीं आते, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स फेलियर्स, इट टेक्स अ जर्नी। और फिर अल्लाह कहता है ना, ये जिंदगी एक मुश्किल सफर है, ये आसान सफर नहीं है। इस ट्रैक से जब आप गुजरोगे तो आपको ये सारी बलाओं का सामना करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बलाएं आपके अंदर है, बाहर कोई डर नहीं है, डर आपके अंदर होता है। और इमाम हसन बसरी का कौन है, मम बदा बे सियासती नफ्सी ही, जिसने अपने नफ्स की सियासत को समझ लिया, संभाल लिया। फकत अदरक सियासत बिन नफ्स, द एक्सटर्नल पॉलिटिक्स डजंट मैटर। जिसने अपने अंदर की पॉलिटिक्स को समझ लिया ना कि नफ्स क्या है, शरारत कहाँ से होती है, बैलेंस कहाँ से होता है, इत्मीनान कहाँ से मिलता है, जिसने इन चीजों को समझ लिया, अपने दिल को समझ लिया, जहन को समझ लिया, अपने जिंदगी के मकसद को समझ लिया, वो कभी भी एक्सटर्नल पॉलिटिक्स से मान नहीं जाएगा। तो थैंक यू। मैं चाहूंगा असा साहब आपकी तरफ, वक्त बहुत कम है, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि बात को इस गुफ्तगू को खत्म किया जाए, लेकिन ऑब्वियसली करना है। असा साहब आपका क्या मैसेज है, प्लीज आप इसमें ऐड कीजिए। अच्छा यार, मैं काफ़ी अच्छी बात की उसामा खान दादा ने, काफ़ी सारी बातें की, बड़ा मज़ा आया उनको सुनने का। अच्छा अभी मैं तीन पॉइंट्स को मैं कंक्लूड करूँगा। अच्छा अभी ये क्या, स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपने ऊपर वर्किंग करें कि वो किस चीज़ के अंदर अच्छे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि उनके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं। मैं इसकी एग्जाम्पल छोटी सी कोट करूँगा। आपको पता होगा कि जो एक कोई भी स्टूडेंट है, उसकी फैमिली में हायरार्की है अपने बहन भाइयों में, अगर वो तो बड़ा होता है या फिर मिड में होता है या फिर सबसे छोटा होता है, ठीक है। अगर वो अभी हमने बच्चों को अपने नहीं पता कि हमें क्या वर्किंग करनी चाहिए। अब ये क्या, अगर कोई भी स्टूडेंट है अपने घर का सबसे बड़ा है बहन भाइयों में, तो उसके अंदर इन बिल्ट लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी। मैं इसलिए बताऊँ ताकि अगर बच्चों को मुश्किल हो ना अपने जानने में कि मैं क्या चीज़ में अच्छा हूँ, तो ये आपको शायद एक मतलब एक रास्ता दिखा रहा हूँ मैं जी। अच्छा दूसरा क्या होता है, दूसरा अगर कोई बच्चा अगर अपनी सिबलिंग्स के अंदर मतलब बीच का सेंटर में, तो उसके अंदर थोड़ी सी सारे काम करने की होती है वो एबिलिटी होती है, वो लोगों के बर्दाश्त करता है, लोगों को काम करने की प्रेशर में काम करने की सलाहियत होती है उसके अंदर। और सबसे छोटा जो होता है फैमिली का, छोटा बहन भाई होता है, बहन होती है, भाई होता है, उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो जो है कन्विंसिंग पावर होती है, और ये इनबिल्ड होती है। आप बच्चा जब बचपन से ही चीज़ें वो बैलेंस कर रहा होता है, क्योंकि जो बड़ा होता है उसके अंदर माँ खुद ही डालते हैं, बेटा देखो तुम अपने भाई छोटे भाई को संभालना है, तो माँ बाप आपके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड कर रहे होते लीडरशिप क्वालिटीज़। तो पहली जो के बताने का मकसद, ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये था कि मैं बच्चों को जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अंदर एबिलिटी निकालें, अपने लिए टाइम निकालें, एक घंटा इतने अभी तो माशाल्लाह टाइम है, अपने वर्किंग करेंगे मैं किस चीज़ के अंदर अच्छा हूँ, मैं क्या चीज़ अच्छी कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनके लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं वो उस तरफ नहीं जा रहे होते, वो काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं। अगर उनके अंदर आप बता दें यार ये चीज़ें, जैसे माशाल्लाह उसामा खान दादा को देखें, उन्होंने खुद बताया इंट्रोवर्ट थे, अब माशाल्लाह देखें उनकी माशाल्लाह स्पीकिंग पावर, मैं बहुत मतलब इंप्रेस हूँ उनसे, उनकी बातों से, ठीक है। अच्छा पहला पॉइंट मैंने बता दिया कि स्टूडेंट्स अपने अंदर कैपेबिलिटी को बावर कराएं कि उनकी कौन सी एबिलिटी अच्छी, कौन सी जो एबिलिटी ट्रिगर कर सकती है उसको फॉरगो करें, उसको प्रोसेस करें, उसको आगे लेके चलें। एक बात तो ये हो गई। सेकेंड बात स्टूडेंट्स को चाहिए, अच्छा मैं स्टूडेंट्स की बात करूँगा कि हमें ये सेशन स्टूडेंट्स के लिए, तो ज़्यादातर मैं स्टूडेंट्स को टारगेट करूँगा। अच्छा स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल, अगर आईटी के हैं और फैशन डिजाइनिंग के, तो गिटहब की प्रोफाइल्स होती हैं वो उसको बनाएं, ताकि आपकी एक प्रोफाइल्स की गिटहब में प्रोफाइल अच्छी बनती है, उसमें ज़्यादा डिटेल्स होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्योंकि आईटी वाले प्रोजेक्ट उस पर ही दिखाते हैं, और फैशन डिजाइनिंग के अंदर भी ज़्यादातर थोड़ी मतलब प्रोफाइल डिटेल होती है, तो गिटहब के अंदर प्रोफाइल ज़्यादा बने ज़्यादा बेहतर है। और लिंक्डइन प्रोफाइल को अपनी मेंटेन करें, तो अभी से आप उसमें स्किल सेट दिखाएंगे लोग, और उसमें अपनी जो कंपनीज जिसमें आप जाना चाहते हैं, जो आपकी टारगेट फील्ड है, उन लोगों को ऐड करें, उससे आप सोशलाइजिंग करें। यार देखें हो सकता है ना आप 100 लोगों को कॉन्टैक्ट करेंगे, उसमें से 10 लोग तो अच्छे होंगे यार, 90 खराब होंगे, 90 आपको नहीं लिफ्ट कराएंगे, बोलेंगे भाई कौन आ गया, ये बच्चा है, ये मुझसे बात कर रहा है, मेरा काम ही नहीं, मैं क्यों करूँ। लेकिन 10 लोग तो आपको एंटरटेन करेंगे, यार मैं करूँगा, अगर आपको करना मैं गाइड करूँगा, कोई स्टूडेंट अप्रोच करना चाह रहा है। दो बातें हो गई।
तीसरी बात मैं बोलता हूँ इनके रिलेटेड के हमारे पास जो है ये माशाल्लाह उसामा खानजादा हाफिज़ भी हैं, तो मैं रिलीजियस की बात नहीं कर रहा, आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, अगर आपको अपनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी है, अपने आप को अपना शार्प रखना है फ्रॉम माइंड साइड, तो काइंडली छोटी छोटी चीज़ें हिफ्ज़ करना शुरू कर दें, ये बहुत हेल्प करेंगे। माशाल्लाह उसामा खानजादा हाफिज़ हैं, ये मेरी बात को एग्री करेंगे, मतलब मैं ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, अगर आप उस पर चीज़ें करते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं रिलीजियस में नहीं जा रहा, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, बाइबल को फॉलो करें, आप बाइबल की पढ़ना शुरू कर दें, आप हिंदू हैं, अपनी जो जो भी है आप किताब वो पढ़ें, उसको हिफ्ज़ करना शुरू कर दें, आपका माइंड उस पर वर्क करेगा, आपकी माइंड की जो स्ट्रेटजी है और आपका माइंड चलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल आपको राइट पाथ मिल जाएगी। तो ये तीन चीज़ मैंने बताई थी कि स्टूडेंट अपने ऊपर वर्किंग करें कि किस चीज़ में अच्छे हैं, मैंने गाइड कर दिया। सेकंड, अपनी प्रोफाइल बनाएं लिंक्डइन में या गिटहब पे। थर्ड वन के अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए छोटी छोटी हिस्स कराए, इधर वो कोई भी रिलीजन हो। ठीक है, राइट, ठीक है सर। दानिश साहब, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव? कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये जो पहले भी मैंने बताया था कि क्रिएट योर ओन जॉब, अपनी अपनी जॉब आप खुद करें, स्किल्स इनहेंस करें, अपनी एक्सेल की ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग भी हो वो आप करें, और लिंक्डइन पे नेटवर्क ज़रूर बनाएं अपना, और उससे पहले आप अपनी प्रोफाइल सही से करें, ठीक है, और अपना सीवी ठीक करें। फिर जो डेवलपमेंट की है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से ये कि अपने अंदर पेशेंस पैदा करें, मतलब कोई भी तो पेशेंस बहुत अच्छा आएगा, अल्लाह ताला सबको रोजगार अता फरमाए। दूसरा ये कि एक चीज जी बोलिए, दो पॉइंट करना, जो पॉइंट्स जो मुझे भी एक शिकायत रही है हमेशा, मैंने देखा है यूनिवर्सिटीज के साथ, हमारे लिए भी है, सबके लिए जनरली है, कि अपना अखलाक हम अच्छा रखें और झूठ ना बोलें, चाहे वो इंटरव्यू में हो, चाहे वो जॉब में हो, या वो आम जिंदगी में हो, सच भी अगर कहें तो हम्बल तरीके से कहें, ऐसा ना कहें कि भाई मैं तो सच हूँ और मैं तो कड़वा ही रहूँगा, मैं तो नहीं, हम्बल तरीके से आप अपनी बात करें और अपना अखलाक को ठीक करेंगे। ये मेरा पैगाम है बच्चों। बिल्कुल सही। जस्ट टू सम अप व्हाट एवरीबॉडी सेड, यार मैं भी यही क्लोजिंग नोट देना चाह रहा था जो साथ ने कहा कि इस टाइम को यूज करें अपने प्रोफेशनल प्रोफाइल्स को ग्रूम करने के लिए, अपडेट योर लिंक्डइन प्रोफाइल्स, स्टूडेंट्स इसमें बहुत वीक है, इनफैक्ट थोड़ा सा लिंक्डइन और फेसबुक की एक्टिविटी को डिफरेंशिएट करना भी सीखें, लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर अपनी प्रोफाइल समरीज, अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट और स्किल सही तरीके से हाईलाइट करें। सीवी और प्रोफाइल को और रिज्यूमे को अपडेट करना, दैट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन, these experts can tell better than me कि CV के ऊपर क्या क्या tips and points होते हैं जिनकी correction का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर मैं सिर्फ एक point highlight करूँ तो वो ये है कि again अपनी CV को किसी एक particular career direction के हिसाब से set करें, write the skills and courses जो आप जिस area में आप जिस job को आप target करना चाहते हैं। मैंने ये थोड़ा सा भी pressure मैंने students में देखा है कि जैसे हमारी NID University में मेरी field में मुझे 9 softwares पढ़ाए गए थे, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर थे उसके अंदर, 2D, 3D, 4D डिफरेंट तरह के डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर थे, और एनडी हम लोग को 2D डिजाइनिंग टीच करता है, और हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ओवर एफिशिएंट हो जाते हैं कि हमें 3D डिजाइनिंग भी आती है, और वो बड़ा बड़ा चढ़ा के लिख देते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट हैं, ये है वो है। मैं तो पर्सनली नहीं, मुझे तो 9 सॉफ्टवेयर सिखाए थे, मुझे उसमें से 2 आते हैं, 2 अच्छे हैं, मैं उनको अपनी जॉब में यूज करता हूँ सिविल डिजाइनिंग के लिए, लेकिन सब लोग लिख देते हैं हमें सारे आते हैं। एंड मेरे कुलीग के साथ ये एक्सपीरियंस भी हो चुका है कि वो HR वाले को बता रहा था बड़ा बढ़ चढ़ के कि जी मुझे मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, तो उसने फॉरन लैपटॉप बुलाया उसकी तरफ करा, बोला ओके मुझे इसमें 3D पार्ट डिजाइन करके दे दो, यानी ह्यूमिलिएटेड हिमसेल्फ, उसको नहीं आता था। तो ये वाला प्रेशर फील नहीं करें कि बड़े बड़े कीबोर्ड और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लिखने आपको जस्ट टू मेक योर सीवी लुक गुड, ओनली राइट व्हाट यू नो, ओनली राइट व्हाट यू कैन जस्टिफाई, ओनली राइट व्हाट यू कैन टॉक अबाउट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट राइटिंग आउट अ लॉट ऑफ फैंसी वर्ड्स। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मोर और लेस इसके ऊपर फोकस रखें। बाकी अगेन summing up what everybody said, be humble, be patient, this is not a time for everybody to thrive. Jack Ma ka maine ek quote dekha tha online, I'm not sure if it's a true one or not, but tha bahut useful ke this year is not about big goals and objectives, ye year sirf aur sirf survive karne ke liye, ye year sirf aur sirf apni professional career ko aage badhane ke liye, to jo opportunity relevant mil rahi hai, don't look at the finances, don't look at the benefits of the situation, apne career ko move forward karne ke liye whatever you can do, us pe apna focus rakhein, and hopefully we'll all get out of this situation much better inshallah.
राइट मैं आखिर में यही कहूँगा कि दुनिया में सबसे महंगी तरीन चीज़ की अगर हम बात करें तो वो वक्त होता है, और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत मशहूर, बहुत मुतशक्कर, वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, एंड आई एम श्योर कि मैनी पीपल आर गोइंग टू टेक बेनिफिट ऑफ इट। बहुत बहुत शुक्रिया अजान साहब आपका, दानिश साहब आपका, उसामा साहब आपका, असाद साहब आप लोग आए, आपने बात की और इतना कीमती वक्त दिया और इतना ज़्यादा वक्त दिया, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, स्टे वेलकम, थैंक यू, एंजॉय, स्प्रेड लव जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।